कैसे आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। अब वॉइस क्लियर है? अच्छा, अटेंडेंस मार्क कर लें सारे लोग, जितने भी अभी आ गए हैं ना, अटेंडेंस मार्क कर लें। जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोग, फिर हम जो है ना कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम शाजिया। सारे लोग जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लो, फिर तो उसके बाद हम चलते हैं लेक्चर की तरफ, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है।
वालेकुम अस्सलाम। ठीक है कायनात, इसको देख लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज में क्या इशू। इसका इशू जो है ना हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी कायनात, जो है आपका अपर का लिंक शो हो गया है। ठीक है, अटेंडेंस हो गया। अच्छा, किसी को कोई और मसला आया हो? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आपके ने मेरा सारे जो है पेजेस हो गए थे। ठीक है। अच्छा कायनात, आपका क्या मसला आया था आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज में, थोड़ा सा बता दें। अच्छा, अनिला का क्वेश्चन है कि अबाउट अस और कॉन्ट्रैक्ट अस बाद में चेंज हो सकता है। बिल्कुल अनिला, किसी भी टाइम आप अपने पेजेस चेंज कर सकते हैं। हेरा वालेकुम अस्सलाम। ईमेल का? अच्छा एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अबाउट अस में ये हुआ था और एक हमें ये वाला लिंक मिला था। तो यहाँ से जो है ना हम गेट स्टार्टेड पे जाते हैं और ये रहा हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये यहाँ पे मैं कह रहे हैं कि आप जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने वेबसाइट सेलेक्ट किया और नेक्स्ट चले गए। ठीक है, यहाँ पर ये साइट की इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी है, मैंने ये दी है, और उसके अलावा मैंने ये कहा कि आई एम इंडिविजुअल, नेक्स्ट कंट्री सेलेक्ट करनी है। अच्छा, इसी पेज में ही इशू था ना? वालेकुम अस्सलाम अरसलान। इसी पेज में इशू था ना आपको? यहाँ पर सिंपल आप जो है नो सेलेक्ट कर लेंगे हर एक चीज का। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपके जो विजिटर्स हैं या आपके जो यूजर्स हैं वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना दो चीजें प्रेफर करेंगे कैसे, कि या तो वो हमें बाय ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने ही ईमेल लिख देंगे, या फिर वो हमें बाय विजिटिंग अ पेज ऑन आवर वेबसाइट। अब इसका क्या मतलब है कि वो हमारे कोई वेबसाइट पे हमारा कोई ऐसा पेज है जिसको विजिट करके वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है जिससे हमें विजिटर या यूजर्स कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? शादी वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बता दे कि वो कौन सा पेज है कि जिससे हम जो है ना विजिटर हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारी वेबसाइट के ऐसे कौन सा पेज विजिट करके कांटेक्ट कर सकता है, जल्दी जल्दी बताएं।
बिल्कुल कॉन्टेक्ट अस पेज है जिसको हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और एक सेकंड मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये हमारा ब्लॉग ओपन, कोई मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा अब मैं, अब कॉन्टेक्ट अस का पेज है ना, तो अब मैं यहाँ पे पेजेस में आ गई हूँ। ये वाला मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कि ये नीचे खुद ही पूछ रहा है कि क्या है, और ये मेरे पास आ भी रहा है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड नेक्स्ट कर लिया। और आपका एक सेकेंड, URL डन नहीं हो रहा था। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये आपका एंड पे कहाँ पे इशू बनता है। अब वो कह रहे हैं ईमेल एड्रेस दें, तो मैं यहाँ पे अभी मैंने ये एक ऐसे ही दे दिया ईमेल, और मैं चली जाती हूँ जनरेट पे। यहाँ पर ये चीज़ मुझे रिसीव हो गई है। यहाँ पे ये आप कॉपी करके जो है ना लगा सकते हैं, ये उसको फ्री होस्ट करें। और ये थोड़ा सा जो है ना इसको स्किप करते हैं, हम जैसे HTML कॉपी करते हैं इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें आपका URL का इशू कहाँ पे आया है? जल्दी से बता दें आप मुझे कि आपका कहाँ पे इशू आया है। कायनात, अच्छा यहाँ पर आई है मलिकजादा तलहा से माफ, आपका अकाउंट बनते ही डिसेबल हुआ है, ये इशू था ना आपका। आप एक काम करें, आप दोबारा से अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है हिरा, असाइनमेंट, असाइनमेंट की तरफ भी मैं आती हूँ अभी। जल्दी से मुझे कायनात बता दें कि आपका यहाँ पे क्या इशू आया है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें सामने की हैं। तो इशू कहाँ, किस पेज पे आपको आया है? यहाँ से बस अब कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने अपने उसमें पेज में ऐड कर देना है। अच्छा कायनात भी रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी का कोई इश्यू हो, किसी को समझ ना आई हो, तो वो जो है ना। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों ने की हुई है, आप लोगों ने एक काम किया हुआ है कि जो है ना एक बंदे ने पांच पांच बार पोस्ट करी की हुई है अपने अकाउंट्स की, कि फाइवर एपवर्क है इस तरह से। तो वो वाली जो है ना, इस तरह आपने नहीं करना। और एक बंदे ने एक किया था, कुछ लिंक शेयर किया था प्रोफाइल का, कुछ इस तरह से लिंक था कि वो जो शेयर करने के लिए लिंक होता है ना, वो लिंक था। और वो आई थिंक, एक सेकंड मैं फिर किसे वेरीफाई करती हूँ, वो लिंक जो है ना वर्क नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा। अब सबने यूजर नेम से कॉपी करके दिया था, एक स्टूडेंट है जिसने इस तरह से कॉपी करके दिया था मुझे। मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये इस तरह से किसी ने मुझे कॉपी करके दिया है। तो ये जो है ना, ऐसे ना करें आप लोग कॉपी, मुझे पूरा यूजर नेम कॉपी करके दें। और किसी किसी स्टूडेंट ने ऐसे भी किया हुआ है कि उन्होंने एक ही प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अभी तक फाइवर या अवर की प्रोफाइल ना बनी हो,
वो मैंने अनिता ऐसे ही जो था ना लिखा था, मतलब मेरे पास अभी कोई ईमेल नहीं था तो मैंने इसलिए वो अपने डोमेन का ईमेल लिख दिया। आपने डिफरेंट जो है ना साइट्स विजिट की होंगी तो उन्होंने अपना ईमेल अपने डोमेन से क्रिएट किया हुआ होता है, मैंने बस एक सैंपल के तौर पे लिखा है। आप जीमेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जीमेल बना सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए और उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वालेकुम सलाम जुनेद। और हमेशा हम ये करते हैं कि जब भी हम ब्लॉगिंग में जो है ना हम इस तरह यूज़ करते हैं कि हम अपने जो ब्लॉग से रिलेटेड होता है वो एक जीमेल क्रिएट करते हैं। अब जैसे ब्यूटी टिप्स है तो हम इस तरह से इसको कोई ईमेल क्रिएट करेंगे जिसमें ब्यूटी टिप्स भी आ रहा हो और इस तरह हम उसका एक ऑफिशियल ईमेल कह सकते हैं, बट यूज हम जीमेल ही कर रहे होते हैं। हाँ जी, याहू भी कर सकते हैं। अच्छा, प्लीज थोड़ा सेलिब्रेट के शीशु के ब्लॉगर में जो डोमेन का बताया था वो नहीं हो रहा, इसका थोड़ा से जो है ना बताएं कि यहू नहीं। आप देखें, जब आपने ब्लॉगर में जब आप साइन इन करेंगे डेफिनेटली आप जो है ना जीमेल यूज करेंगे, क्योंकि वो गूगल की सर्विस है तो उसके लिए जो है ना आप के पास जीमेल होना जरूरी है। याहू आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप अबाउट अस के पेज में आप अपना याहू का ईमेल दे दें। ऐसे मुझे थोड़ा सा इसमें बता दें कि जो है ना डोमेन की जो है आपसे नहीं हो रहा था। डोमेन का तो मैंने कुछ नहीं बताया, जस्ट ओवरव्यू दिया था कि डोमेन होती क्या है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, बस ये चीज मैंने बताई थी। इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं बताया। और बाकी लोग जो अभी कह रहे थे कि असाइनमेंट कर लिया है, हाँ जी ऐसा डोमेन आपको बाय ही करनी पड़ेगी अगर आप प्रॉपर जो है ना ब्लॉगिंग में जाना चाह रहे हैं तो। उसमें ये होता है कि आपको एडसेंस का जो है ना एक तो अप्रूवल नहीं मिलता, डॉट ब्लॉग स्पॉट का होता है कि उसमें वो चीज़ इसको अप्रूव आजकल नहीं करे, बहुत जो है ना बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आपको डॉट ब्लॉग स्पॉट का जो है अप्रूवल मिल जाए। डॉट ब्लॉग स्पॉट, आप मुझे कोई बताएगा ये क्या चीज़ है जो मैं ये बोल रही हूँ? जल्दी से कोई मुझे बताया कि अभी मैंने एक टर्म यूज किया है कि ये डॉट ब्लॉग स्पॉट पे अप्रूवल जो है मुश्किल है, तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ऐसे आप बाद में बाय कर सकते हैं जब आप प्रॉपर आपको ये चीजें आ जाएं। अभी तो हम जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम फ्री में ही करेंगे। अच्छा ठीक है, ब्लॉगर में जो हम बना रहे हैं फ्री ब्लॉग डोमेन है, ब्लॉग स्पॉट फ्री डोमेन। अच्छा, डॉट ब्लॉग स्पॉट का क्या मतलब होता है? ये जब आगे एक चीज आ जाती है ना, इसका मतलब होता है हम सब डोमेन यूज करें। किसी को सब डोमेन का आइडिया है? किसी को आइडिया है सब डोमेन का?
एक्सटेंशन फॉर ब्लॉग ये कह रही हैं, फिर सब डोमेन, डोमेन की कैटेगरी। अच्छा, सब डोमेन का मतलब ये होता है कि एक डोमेन से जो है ना, जैसे कैटेगरी के बाद जो है ना हेरा, वो तो डोमेन की टाइप्स होगी ना, डॉट कॉम, डॉट नेट, वो तो आगे टीएलडीज में आ जाता है। देखिए, जैसे कैटेगरी में सब कैटेगरी होती है, हेल्थ से हम नेक्स्ट चलते हैं कि बैकबोन पेन, इस तरह से। डोमेन एक हमारे पास है डॉट ब्लॉग, सॉरी डॉट नहीं, ब्लॉग स्पॉट, एक ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम एक डोमेन है, या ब्लॉगर डॉट कॉम एक डोमेन है। और सब डोमेन का क्या मतलब है, हम उससे सब डोमेन ले रहे हैं। मैं यहाँ पे ये चीज़ बताती हूँ आप लोगों को कैसे। अब यहाँ पे ये ब्लॉग है, ये इसके बाद आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम की सब डोमेन यूज कर रहा है। ये जो है ना, ये हमारे पास सब डोमेन है, ये डोमेन नहीं है। इसी तरह से सपोज हमारे पास हमारी एक डोमेन हो, ब्यूटी टिप्स वाली ही हो, बट हम यहाँ पे डॉट कॉम कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक ये डोमेन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हम कुछ भी डोमेन चेंज करते हैं, या हम इसमें थोड़ा सा जो है ना कुछ और ऐड करते हैं, लाइक अब ये चीज मैंने कर दी, फॉर मैन लिख दिया और डॉट लगा के ये कर दिया। मैंने कहा था सपोज कि ये हमारे पास एक डोमेन है, अब मैंने ये चीज इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या चीज बनेगी? किसी को इस चीज की समझ आ रही है? सपोज कि मैंने ये एक चीज बना ली है, अब ये क्या डोमेन बनी है? किसी को कुछ समझ आई है इस चीज की? स्क्रीन मैंने कर दी है शेयर, आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अब स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी मैंने ये एक ब्लॉग स्पॉट का जो है ना अपना वो ओपन किया हुआ है ब्लॉग पर, स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी से मुझे बता दें। अच्छा, अब शो हो गई है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात कही है कि सपोज ना मेरे, मैंने मैं सब डोमेन में उसकी ब्लॉग स्पॉट की यूज नहीं करी, मैंने ये वाली डोमेन बाय कर ली है। अब मेरे पास ये एक डोमेन है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं, मेरे पास एक और भी डोमेन है, एक ये डोमेन है ना, इसको मैं नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर ये एक मेरे पास ये भी डोमेन है, इसमें मैंने ऐड कर दिया फॉर मैन डॉट ये ब्यूटी टिप्स वाले जो भी मेरी डोमेन थी, मेरी मेन डोमेन ये थी, इसमें मैंने ऐड करके कुछ इस तरह से बना लिया। अब किसी को समझ आ रही है कि ये क्या चीज बन गई है? मेरी वही डोमेन यूज हो रही है, बट इसमें थोड़ा सा मैंने ये चीज ऐड कर दी है। अब ये समझ आ रहा है आप लोगों को कि ये क्या चीज बनी है? जल्दी से मुझे बता दो कि ये किसको समझ आई है, कि ये अब इसको हम क्या कहेंगे, या ये कौन सी डोमेन है? बिल्कुल, कह रहा है ये सब डोमेन है। अब सब डोमेन ये किसकी है, ये मुझे जल्दी से कोई बता दे। ये है तो सब डोमेन, और ये अब किस चीज की सब डोमेन है, कौन सी डोमेन की सब डोमेन है? ठीक है, सब डोमेन की तो सबको समझ आ गया कि ये हमने सब डोमेन बना ली है। अब मुझे जल्दी से ये बता दो, ये कौन सी डोमेन की सब डोमेन बनी है? नहीं, ब्लॉग स्पॉट की हेरा नहीं है। जल्दी जल्दी मुझे बता दो, ये किस चीज की सब डोमेन बनी है? डॉट कॉम की भी नहीं है, डॉट कॉम डोमेन नहीं है, डॉट कॉम एक टीएलडी है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मेन डोमेन की बिल्कुल कायनात, ये मेन डोमेन की सब डोमेन बनी है। अनिला, आपका भी ठीक जवाब है, और ब्यूटी टिप्स जिन्होंने भी कहा है, ये अल्ताफ जोनशा, आपका भी ठीक ही जवाब है। कैसे पता चला है हमें? देखें, ये मैंने कहा था हमारी डोमेन है, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी हुई भी थी यहाँ पर थी, कि ये मेरी एक डोमेन है। अब मैंने डॉट लगा के इससे पहले ये चीज ऐड कर दी है, ये देखें, ये अब मेरी यहाँ पे डॉट आ रहा है, और ये फिर मुझे एक डोमेन की तरफ लेके जा रहा है, तो जो एंड पे आएगा ना वो मेन डोमेन होगी, और ये उस मेन डोमेन की सब डोमेन होगी। जैसे कि अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये मुझे उस पर ले जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सब डोमेन जो है ना, यहाँ पर
ये देखें एंड पे डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है इस डोमेन की ये सब डोमेन है ये वाली। इसी तरह फॉर मैन वाली जो है ये जो है इस मेन डोमेन की सब डोमेन है। इस तरह हम जो है ना डिफरेंट सब डोमेन्स भी बना सकते हैं। अब आप लोगों को सब डोमेन की भी समझ आ गई कि डोमेन क्या होता है और सब डोमेन क्या होता है। अब यहाँ तक तो सब डोमेन का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब मुझे थोड़ा सा वो लोग बताएं जिन्होंने असाइनमेंट की है, तो क्या उन्होंने मजीद भी कुछ लेआउट को देखने की कोशिश की है कि लेआउट में क्या चीज आती है, नेक्स्ट जो चीजें थी उनको भी समझने की कोशिश की है, या जिधर तक क्लास में हुआ था सिर्फ वही प्रैक्टिकल किया है, और किस किस ने जो है ना क्लास के बाद भी प्रैक्टिकल किया था, क्लास में भी किया और बाद में भी किया। अच्छा कायनात मेन मेन्यू का दोबारा बता दूं? ओके इसको थोड़ा सा हम एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा अभी तो हम चल रहे हैं ना प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में हम ऐसे ही कर रहे हैं कि कुछ भी एडिट कर दें या कि कुछ भी लिख दें, लेकिन जब हम प्रॉपर ब्लॉगिंग में आते हैं ना फिर हम ये चीज़ नहीं करते। हम फिर हर एक चीज़ को सोच समझ के करते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ हमारी रैंकिंग में आ रही होती है। अनिला बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पूरा दिन प्रैक्टिस की है तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देगी जब आप नेक्स्ट ब्लॉगिंग में जाओगी, क्योंकि आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, तो अब वो आपको जो है ना चीज़ें समझ भी ज़्यादा आएंगी और आप उसमें खुद ही जो है ना नई नई चीज़ें सीखेंगी। बिल्कुल मेरा एड्स सब, अब भी हम एड्स की तरफ गए नहीं है। अच्छा अब इसमें जो है ना ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी वो ये थी कि फ्री और पेड चीजें होती हैं। अब हमारे पास जो ब्लॉग स्पॉट है ना मैम, जो लोगो था वहां पे इमेज का ऑप्शन हाइड हुआ था, इमेज का ऑप्शन हाइड ये हम सब डोमेन वैसे एड ब्लॉगिंग में नहीं करते, वो ब्लॉगिंग में इतना हेल्प आउट नहीं करती हमें, बट ये हम सब डोमेन जो है ना जैसे कि अभी हमने ब्लॉग स्पॉट की एक सब डोमेन लिया, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जब हमारे पास एक डोमेन होती है तो हम उससे सब डोमेन्स बना सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं, बट ब्लॉगिंग में ये चीज़ हम नहीं लेके जाते कि हम एक डोमेन लें और उस पर सब डोमेन्स बना के जो है ना फिर हम उसको यूज़ करते रहें, ये चीज़ उसमें रिकमेंडेड नहीं है। पर सब डोमेन जो है ना उसका आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है, सब डोमेन क्या होती है। डोमेन का जो होता है ना इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होता है, सब डोमेन का जो होता है वो कम होता है। अब एडसेंस की मैं बात कर रही थी, तो अगर आप ब्लॉग स्पॉट यूज कर रहे होंगे ना तो बहुत ही कम चांस है कि एडसेंस अप्रूव हो जाए। वो इसलिए है क्योंकि इतने ज्यादा अप्रूवल्स का हुआ था कि ब्लॉग स्पॉट, क्योंकि फ्री है, सारे लोग जो है ना ब्लॉग स्पॉट पे बना के एडसेंस अप्रूवल ले रहे हैं, चाहे फिर उस पर ट्रैफिक आ रही है नहीं आ रही। देखिए एडसेंस अप्रूवल लेने का फायदा ही नहीं है जब तक आपकी जो है ना ब्लॉग पे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही। आप एड्स शो करवा रहे हो पर उसका क्या फायदा है जब उस पर ट्रैफिक ही नहीं आ रही, आपकी अर्निंग ही नहीं होनी। अब ये चीज लोगों को समझ नहीं आती, वो समझते हैं कि एडसेंस अप्रूव करवा लिया तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो इस चीज क्योंकि ये फ्री था, डोमेन होस्टिंग सारा कुछ फ्री था, तो लोगों ने उसको इतना यूज किया, ये कह लें कि मिस यूज किया, कि अब जो है ना उस पे अप्रूवल्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज कही थी कि डोमेन तो लेनी ही पड़ेगी, और ब्लॉगिंग में जो है ना रैंकिंग में भी ये चीज देखी जाती है। देखें गूगल देख रहा है कि एक फ्री की चीज है और एक थोड़ी सी पेड है, उसकी पेड में फिर आप नेक्स्ट जाते हैं तो उसमें जो है ना काफी कहते हैं कि प्लस पॉइंट मिलते हैं आपको, कि आप फिर ब्लॉग्स पर में कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? अब मैं वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब भी आपको जो है ना उसको मैं क्लियर करती जाऊंगी साथ में। अब लिमिटेशंस किस तरह चाहते हैं, देखें हमेशा ये चीज होती है कि फ्री और जो पेड चीज होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्टर्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली। अर्जुनिशा आप लोगों की बारी की बात नहीं है, ये काफी टाइम पहले से हो गया है पेड,
अब लोग यूज कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि यूज नहीं करे, बट फिर वहां पे आपको जो है ना इस तरह से अपना करना पड़ता है कि हर एक चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती है। अनिला, किसी ने कहा है कि इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती? अगर आप जो है अच्छे ब्लॉगर हैं और आपका ब्लॉग रैंक कर गया है, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी, आप कितनी अर्निंग हो जानी है। और अब आप ब्लॉगिंग से डिफरेंट तरीकों से जो है ना अर्न कर सकते हैं। मैंने काफी बार जो है वेज बताए भी हैं कि ब्लॉगिंग को आप किस तरह से कर सकते हैं। और मैंने कल एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने पूछा था स्किल्स के बारे में कि हम नेक्स्ट किस चीज को कंटिन्यू करें, हम ब्लॉगिंग को ही कंटिन्यू करें उसमें जो स्किल्स हैं, या फिर उसमें स्किल्स जो है ना वो ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग दोनों में यूज होते हैं, या फिर कैनवा के यूज करें जो कि क्विक फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम इनमें से कोई एक करेंगे, इसका मतलब ये था कि हम दोनों करेंगे, बट जो है ना पहले किस चीज को करें, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों को भी ये इशू हो रहा है कि हमारे पास स्किल ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। तो कैनवा में ये है कि आप जो है ना जल्दी से स्किल के बारे में जान जाओगे और सीख जाओगे, और आप लोग गिग भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ब्लॉगिंग जो है ना वो टाइम टेकिंग है, वो टाइम टेकिंग इस तरह से है कि पहले तो आपको ब्लॉगिंग समझनी होगी, फिर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म समझने होंगे। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद फिर आपको डिफरेंट जो स्किल्स हैं उनके बारे में समझना होगा, तब जाके जो है ना आप वो स्किल्स सीख सकते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग इस तरह से नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको स्किल पे लेके जाऊं और आप लोग वो सीख भी जाओ, आप लोगों की जो है ना बेस अच्छी बनी होगी तो ही आप नेक्स्ट उसमें जा सकते हैं। तो इसलिए जिनका सब्र है वो तो ब्लॉगिंग में जो है ना कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका सब्र नहीं है तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब जो पेजेस हमने बनाए हैं यहाँ पर जाके, अभी ये भी था ऑटोमेटेड काम कि हम साइट्स पे गए हैं, वहां पे हमने जी इस तरह से अपने लिंक्स दिए हैं और उन्होंने हमें एक लिखा हुआ दे दिया है HTML फॉर्म में, और हमने वो जाके अपने पेज में जा पेस्ट किया सिंपल, और हमारे पास पेज बन गया। अब यही चीज हमारे पास वर्डप्रेस में होती ना तो हम लोग क्या करते, एक प्लगइन ऐड करते और उस प्लगइन में जाके टिक करते कि ये पेज बना दो और क्रिएट पेज कर देते, दैट्स इट, वो खुद ही पेजेस बना के पब्लिश हो जाने थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे हमें एक काम अगर ऑटोमेटेड भी हो रहा है ना तो मैनुअली हमें उसे करना पड़ता है, लेकिन वर्डप्रेस में अगर हम ये प्लगइन के जरिए करते तो हमें इतना ये काम नहीं करना पड़ता जितना अभी हमें ब्लॉग में करना पड़ा है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, डेफिनेटली हम प्रैक्टिस में फ्री ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, अगर आप लोगों में से कोई पेड पे जाना चाहे ना तो वो जा सकता है, वो इस तरह से जा सकता है कि होस्टिंग मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट समझ लें या जो भी, वो तो मैं बाय कर लूंगी और वो मेरे सारे स्टूडेंट्स यूज करेंगे, सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो मुझे लगेगा कि डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर मैंने सबको होस्टिंग दी तो होस्टिंग डाउन हो जानी है, इस तरह से जो है ना मुश्किल हो जाएगी। तो मैं टाइम टू टाइम चेक भी करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कौन जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैंने एक और चीज नोट किया कि मुझे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना क्लास में रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट जब मैंने ये पोल क्रिएट किया तो यहाँ पे अब ब्लॉगिंग स्किल्स के 34 वोट्स हैं, कैनवा के 8 हैं, तो ये जो है ना ये लोग यहाँ पे मुझे ना ही रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कोई कमेंट होता है, ना ही मुझे कोई असाइनमेंट का बताता है, ना ये कि समझ आ रही है नहीं आ रही। तो फिर डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स को मैं इस तरह से होस्टिंग वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करूँगी। जो मेरे साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली मैं करूँगी प्रोवाइड होस्टिंग, और डोमेन्स डेफिनेटली फिर आप लोगों को खुद मैनेज करनी पड़ेगी। डोमेन आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लॉग स्पॉट पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें आपको मसला नहीं है। बट मैं आपको जो है ना दोनों चीजें सिखाऊंगी, ब्लॉग स्पॉट भी और वर्डप्रेस भी, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर आप लोग वर्डप्रेस पे जाना चाहें, और डेफिनेटली आप जाना चाहोगे क्योंकि चीजें इतनी जो है ना चेंज होती रहती हैं, और ये ब्लॉग स्पॉट में और वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा फर्क है। आपके जो क्लाइंट्स होंगे जिनको ये चीजें चाहिए होंगी वो ज्यादातर जो होंगे ना वो वर्डप्रेस के होंगे, तो कम से कम आपको वर्डप्रेस यूज करना आना चाहिए। बेशक आप पे करके होस्टिंग ना लो जो है ना, आप बेशक थीम भी सॉरी डोमेन भी ना लें, लेकिन आपको कम से कम वर्डप्रेस यूज करना आना चाहिए कि वो है क्या, उसको यूज कैसे करते हैं, उसके ऑप्शंस क्या है, ताकि नेक्स्ट आप जब भी जाना चाहें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉगिंग में, तो फिर आपको ये चीजें समझ हो कि आपने कैसे कंटिन्यू करना है। हेरा कैनवा जो है ना, कैनवा में मैंने कुछ रिसर्च की थी
और रिसर्च में फिर मैंने कुछ स्किल्स देखी थी जिस जो कैनवा के जरिए हो सकते हैं और उनमें कंपटीशन भी कम है, वो ऑलमोस्ट कोई 20 तक हैं जो मैंने खुद रिसर्च किया है। हालांकि मैंने आप लोगों को भी कहा था रिसर्च करने के लिए, बट मुझे उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स तो नहीं मिला कि किसी ने ऐसे स्किल ढूंढी हो। बट इट्स ओके, मे बी आप लोगों को भी उस चीज़ की इतनी समझ नहीं आई, वो आप लोग जब ये स्किल्स देखोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से स्किल्स हम ढूंढ सकते हैं। तो वो मैंने कोई बेसिक स्किल्स निकाली हुई हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे, फिर आप लोग जो है ना उसमें गिग्स बना सकते हो। और अब डेफिनेटली एक बंदा तो 20 गिग नहीं बना सकता ना स्टार्ट में, वो भी जो है ना 7 ही बनाएगा। तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा जो है ना, एक आपके पास बहुत सारी स्किल्स होंगी। अब ये भी नहीं होगा कि मैं कोई 7-8 स्किल्स बता दूं, सारे के सारे बच्चे वही वाली गिग्स बना के बैठे हों। तो आप लोगों के पास इतनी स्किल्स होंगी कि आप चूज कर सको कि आपको जो है ना कौन सी स्किल पे गिग बनानी है। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन वाले में बिजनेस रेवेन्यू इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है तो वो कैसे फिल करूं, और मैम उसमें वेबसाइट डोमेन है वहां भी यूआरएल पुट करूं तो कंटिन्यू नहीं होता करना। तो अभी ये मैंने सेम चीज अभी मैंने करवाई है ये स्टार्ट में ही, और मैंने आपको कहा भी है कि यहाँ पे कहाँ पे इशू आ रहा है तो आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। निम्रा, कैनवा के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो इसमें कोई मसला भी नहीं है, आपको आइडिया नहीं है तो मैं हूं ना यहाँ पे सिखाने के लिए, आप उस चीज की क्यों टेंशन ले रही हैं। और कैनवा में भी फिर ये है कि कैनवा का कुछ फ्री भी और पेड उधर भी ये चीजें हैं कि फ्री में फिर थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं, कुछ जो है ना हमारे पास। अच्छा कायनात, आप एक बार लेक्चर रिपीट देख लीजिएगा तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, मैंने फिर से वो रिपीट किया है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर हम क्लास के एंड पे ये चीज़ कर लेंगे। तो मैं कैनवा का ये बता रही थी कि उसमें फिर कुछ फ्री चीज़ें भी आती हैं, फिर कुछ पेड चीज़ें भी आती हैं। अब वही बात हो गई कि फ्री और पेड में फिर फर्क आ जाता है, कैसे आता है कि कुछ ऐसे टेम्पलेट्स भी होते हैं जो कि अगर आपके पास अकाउंट है ना पेड, तो फिर वो आपको अवेलेबल होते हैं, और कुछ टेम्पलेट्स ऐसे हैं जो फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। फ्री में भी काम चल जाता है और लोग काफी चला भी रहे हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं, जरूरत नहीं है पेड की तरफ जाने की। अच्छा, अब भी आपने डाउनलोड किया फिर क्या कैनवा, तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें जो है ना काफी अच्छी अच्छी जो है ना स्किल्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। और मैंने अभी तक तो यही सोचा है कि पर डे जो है ना हम एक स्किल सीखेंगे और वो आप क्लास में प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें एक दूसरे को भी बताओगे कि अच्छा मैंने ये एक नई चीज बनाई है, ये मैंने एक नया टेम्पलेट यूज किया, तो देखें ये इस इमेज में, आप एक दूसरे को रिव्यू करवाओगे। रिव्यू कैसे करवाओगे कि आप लोग जो एक बनाओगे ना डिजाइन अपना, वो आप कमेंट में पेस्ट करोगे और फिर मैं भी रिव्यू करूंगी कि अच्छा इसमें एज अ बायर एज अ विजिटर कि मुझे इसमें क्या गलत लग रहा है या क्या चीज यहाँ पे ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग भी जो है ना रिव्यू करके एक दूसरे को बताओगे, उसी क्लास में ही ये सारा कुछ होगा कि आप इसमें क्या चेंज होनी चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने क्या गलती की है, क्या चीज आपको चेंज करने की जरूरत है, फिर आपको इस तरह से ना फिर आप में परफेक्शन आती जाएगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग और कैनवस स्किल्स में मजीद जो है डिफ्रेंशिएट कह लें या इस तरह से कह लें करती हूँ। अब ब्लॉगिंग में हम नेक्स्ट जाएंगे ना, अभी हम थोड़ा सा लेआउट को हमें मजीद समझने की जरूरत है। अब लेआउट से आप लोगों को ये आइडिया तो हो गया ना कि हम अपने ब्लॉग को अच्छा बना रहे हैं, हम अब उसकी लुक अच्छी बना रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग में भी, एडसेंस अप्रूवल में भी, हर एक चीज में। आप खुद देखें, आप जब विजिटर किसी साइट पे जाओ वहां पे उसका लेआउट अच्छा नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, ये कहाँ से कौन सी पोस्ट किधर पड़ी है, ऐसे रश मचा हुआ है। तो आप डेफिनेटली वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करोगे और जो है ना किसी और साइट पे चले जाओगे। तो लेआउट को समझना बहुत जरूरी है अगर आपने ट्रैफिक लेनी है, तो अगर आप चाहते हो कि आप ब्लॉगिंग में कामयाब हो। तो अब इसमें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम किसी भी टॉपिक पे ब्लॉगिंग में ब्लॉग नहीं बनाते, हम हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, एक फार्मूला होता है, हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं कि हम हमें कौन किस तरह का ब्लॉग बनाना चाहिए, हमें कौन सा टॉपिक लेके जाना चाहिए। अब मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जैसे अब हम हेल्थ में ही शुरू हो जाएं। अच्छा, किसी का आप अनिला, किसी का ब्लॉग क्या आप कुछ भी क्यों नहीं जाके लिखे, आपके सामने हजारों ब्लॉग आ जाने, ये सारे ब्लॉग ही हैं,
ये वो वर्डप्रेस पे बने होते हैं, दैट्स वाई डॉट कॉम डोमेन आ रही और होती है, और बड़े अच्छे अच्छे जो है ना आ रहे होते हैं। एक था मुझे याद, अच्छा एक देख लेते हैं, स्क्रीन शो हो रही है ना, जल्दी से बता दे, जल्दी जल्दी मुझे कोई एक बच्चा बता दे, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये एक ब्लॉग है, अब ये लग रहा है कि कोई ब्लॉग है, मतलब इसको ये हमारा ब्लॉग यहाँ पड़ा है इस तरह का भी, इसमें तो अभी चलो पिक्स नहीं है इसकी, तो वैसे ही थोड़ा सा खस्ता हालत है, लेकिन यहाँ पर देखें ये इसका लोगो है, ये इन्होंने कुछ ये इसके जो है ना नेक्स्ट, फिर इन्होंने क्या कैटेगरीज डाली हुई है, ये इस तरह का मैं कह रही थी कि मेन्यू इस तरह से भी ओपन हो जाते हैं या इस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर ये देखें ये एड आ रहा है, इन्होंने एडसेंस अप्रूव करवाया हुआ है, और यहाँ पर इनकी इस तरह से ये देखें पोस्ट आ रही है, ये ग्रोसरीज के बारे में है, ये रेस्टोरेंट्स के बारे में है, ये हेल्थी ईटिंग के बारे में है, वेट लॉस। अब ये लोग जो है ना इन्होंने अपने डोमेन का नाम क्या रखा हुआ है, इनकी डोमेन ये है eatthis.com। अब इससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये कुछ खाने पीने के बारे में है, तो अब इन्होंने नेक्स्ट क्या किया, ये देखें ये भी तो ईटिंग में ही आ रहा है ना कि हाँ जी मतलब खाने पीने की कोई चीज। अब ग्रोसरीज, अब यहाँ पे एक इन्होंने पोस्ट की हुई थी, ये देखें ये भी फूड के बारे में ही है। अब ये थोड़ी सी चीज डिफरेंट है, बट उनके टॉपिक के साथ तो ये चीज आ रही है ना, ये फिर वेट लॉस में डेफिनेटली ये भी खाने पीने की चीज में आ जाता है, फिर रेस्टोरेंट्स हैं, रेसिपीज हैं, माइंड प्लस बॉडी है, इस डिफरेंट इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है, इन्होंने फिर डिफरेंट जो है पोस्ट की हुई है। हम इनकी कोई पोस्ट ओपन करके देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये इन्होंने कुछ इस तरह से, अब ये देखें ये इनकी थीम, अब थीम में भी डिफरेंस होता है, अब वर्डप्रेस में भी मजीद जाके ना चीजें चेंज होती हैं। अब हम कुछ जो होते हैं हमें वहां पे कुछ फ्री थीम्स मिलती हैं, कुछ पेड होती हैं जो जिनको हम प्रीमियम थीम्स कहते हैं वो हमें बाय करनी पड़ती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कस्टमाइज्ड होती हैं, मतलब के इस तरह से होती हैं कि वो खुद बनाई गई होती हैं स्पेसिफिक एक वेबसाइट के लिए, ऐसी थीम्स हमें पेड भी नहीं मिलती। अब इसका डिजाइन थोड़ा सा जो है ना सिंपल भी है, बट जब मैंने इसको लास्ट टाइम विजिट किया था तो ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी, अब ये कुछ मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है कि ये देखे ना इतना बड़ा इन्होंने सर्च बॉक्स बना दिया है, ये सर्च बार है इसको इन्होंने किया हुआ है, बट फिर भी इसका अभी भी ना डिजाइन क्लीन क्लियर है, इतना वो नहीं है। अब यहाँ पे हम जाते हैं जिसका टाइटल आ गया, इन्होंने इसके बारे में फिर ये लिखा हुआ है ये कि किस राइटर ने ये पोस्ट लिखी है, कब हुई है, और इन्होंने कुछ यहाँ पे ये जो है ना चीजें ये कस्टमाइज थीम होगी जो जो इस तरह से ये है, तो ये इन्होंने ये लिंक्स भी लगे हुए हैं इसमें, इनकी इंटरनल लिंकिंग है ये। अब ये किसी को ये चीज समझ ना आ रही हो कि ये जो है ना येलो क्यों हो जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक लिंक लगाया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो ये इस वाले पे आर्टिकल पे हमें लेके चला जाएगा। चले हम इस आर्टिकल को देखते हैं, तो ये हम सॉरी यहाँ पर जाते हैं, और ये इन्होंने फिर यहाँ पे पॉइंट वन लिखा, उसके नीचे पिक लगाई है, और फिर लिखा फिर एक दूसरा पॉइंट है, फिर पिक है, फिर अब यहाँ पे आप चीज देखें इनका कंटेंट देखें, छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं, ये देखें छोटे छोटे से पैराग्राफ, इतने को बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे हुए इन्होंने कि ऐसे बंदा कहे कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इन्होंने पैराग्राफ छोटे ही बनाए हुए हैं, और ये चीज हम कंटेंट जब जाएंगे ना कंटेंट के लेक्चर्स पे वो हम, अब देखें यहाँ पे इनकी एक चीज जो है ये इनका जो एड है ये अब कंटेंट कवर कर रहा है, अब ये चीज अच्छी नहीं लग रही, ये चीज इनको जो है ना वो करना चाहिए कि इसको सेट करें कि ये देखें ये ऊपर कंटेंट ही कवर हो रहा है, तो ये अच्छा डेफिनेटली मुझे नहीं लग रहा, शायद किसी को यहाँ पे अच्छा लग रहा हो, तो ये चीजें जो है ना ख्याल करनी होती हैं इसमें। ये आप ब्लॉग मजीद इसको देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे किया, इसके अलावा भी डिफरेंट ब्लॉग, अब कुछ भी सर्च करो कुछ भी तो आपके पास हजारों ब्लॉग आ जाएंगे। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा अनिला आप ये कह रही हैं कि आपने इवेंट मैनेजमेंट टॉपिक लिया है और उसमें आपको कोई खास कंटेंट नहीं मिल रहा,
अच्छा, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, तो आपने ये किस बेस पे ये वाला जो टॉपिक लिया है? आपका इंटरेस्ट है? अच्छा, मैं एक मिनट ये स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया इवेंट मैनेजमेंट, तो अब ये देखें, ये बेसिकली क्या है? इवेंट मैनेजमेंट क्या चीज़ है? ये आपके पास क्या चीज़ शो हो रही है? यहाँ पर डिफरेंट जो है ना वेबसाइट्स आ गई हैं। अब वेबसाइट्स क्या है? ये देखिए, इवेंट प्लानर, ये एक सर्विस है। ये अब इवेंट मैनेजमेंट डेफिनेटली हम ये किसी को सर्विस देंगे ना। यहाँ पर आप साइट्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर सारे इवेंट प्लानर होंगे या ऑर्गेनाइजर्स होंगे, मैनेजर होंगे, व्हाटएवर जो भी इसको कह लें, यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर देखें, ये एक आर्टिकल भी हमें मिल गया है। इसमें क्या है? अब इसके इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाउ टू प्लान एन इवेंट, 10 स्टेप इवेंट प्लानिंग गाइड। तो यहाँ पर देखें, ये इतना सारा आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है। अब इस चीज से आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि अगर एक सर्विस है तो उसके बारे में भी हम ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इवेंट मैनेजमेंट, और नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि व्हाट इज इट। अब इसने सारा बताया होगा कि इवेंट मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है। अब इसने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, द 5 C's ऑफ इवेंट मैनेजमेंट दैट एवरीवन शुड नो। ये भी अब एक आर्टिकल है। यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट, और यहाँ पर आई थिंक ये कुछ जो है ना सर्विस प्रोवाइडर है। तो इस तरह से हम, जरूरी नहीं है कि हम जो है ना, अगर एक सर्विस है तो उस पे ब्लॉग नहीं बन सकता। अब ये चीज आपको तब क्लियर होगी जब मैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग में आप लोगों को ये समझाऊंगी कि आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब मैं, अच्छा, आपको इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के बारे में लिखना चाहती हैं, गाइड्स लिखना चाहती हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहती हैं, फिर आप ब्लॉग बना सकती हैं। बट अगर आप चाहती हैं कि आप इवेंट मैनेजमेंट करें, आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, फिर आपको एक वेबसाइट बनानी होगी जहां पे आप अपने सर्विसेज को जो है ना, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप जो है ना, देखें, इवेंट मैनेजमेंट में फिर आपको डिफरेंट जगह पे विजिट करना होगा। अब डेफिनेटली यहाँ पे इवेंट होगा, वहां पे आपको जाना होगा, आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो फिर आप डेफिनेटली इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ ब्लॉगिंग में मजीद। अब हम जाएंगे ब्लॉगिंग में, निच और माइक्रो निच मैंने बताया हुआ है। अब निच में जो है ना कंपटीशन बहुत हाई होता है, माइक्रो निच में कंपटीशन इतना हाई नहीं होता। माइक्रो निच का मतलब ही यही होता है कि हम लोग कंपटीशन टॉपिक देखते हैं, ठीक है? अब मसला कहाँ पे आता है? देखिए, हर चीज का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब निच में जब हम जाते हैं ना, तो हमें जो है, अब जैसे मैंने ईट दिस वाली साइट ओपन की, अब मैं भी ईटिंग पे ही स्टार्ट कर दूँ काम, तो मैं तो इसी साइट को ही ना कम्पीट कर चुकी, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी साइट है, ऑलरेडी सेट है, और इसको जो है ना मैं कम्पीट कैसे करूंगी? अच्छा, अब इसमें एक चीज, अब ये तो हो गई मेरी निच, अब मैं माइक्रो निच कैसे देखूंगी? अब मैं माइक्रो निच इस तरह से देख सकती हूँ कि देखें, जैसे कि यही साइट है और मैं इसकी कैटेगरीज को देखना शुरू कर दूं, और मैं इसको ओवरऑल ना इसको पकड़ूं, इसकी किसी एक कैटेगरी को पकड़ लूं। बट इसकी कैटेगरीज भी जो इधर है ना, वो बड़ी हाई कंपटीशन वाली है। डेफिनेटली रेसिपीज में कितना कंपटीशन होगा, यहाँ पर वेट लॉस में कितना कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पर लिख के देख लो कि वेट लॉस, तो देखें इस पे कौन कौन सी साइट्स भी आ जाएंगी। ये देखें, हेल्थ लाइन आई हुई है, और ये तो ऑब्वियसली बड़ी ओल्ड साइट्स हैं, प्लस बहुत हाई अथॉरिटी साइट्स हैं। ये देखें, इन साइट्स को अब आप जाके आउट रैंक करें तो ये न्यू साइट के लिए पॉसिबल नहीं है। आप डेफिनेटली न्यू साइट लेके आओगे। अच्छा, मैं स्क्रीन नहीं शेयर करी मैं यहाँ पे, इसलिए इस तरह से लेक्चर दे रही हूँ, क्योंकि फिर ना मैं साथ साथ यहाँ पे कमेंट पढ़ सकती हूँ। फिर अगर मैं आपको उसी साइट पे ही रखूँ और बताऊँ, तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि किसी ने कमेंट किया है, ठीक है? जहाँ पे स्क्रीन शेयर करने की जरूरत होगी, मैं वहाँ पे खुद ही कर दूंगी, ठीक हो गया?
अच्छा, अब निच माइक्रो निच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अब निच में हमें ये नुकसान हो जाता है कि हम जो है ना हाई कंपटीशन जो है ना एक टॉपिक में फंस जाते हैं और हमें रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं मिलती। अब माइक्रो निच ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि जिसका लो कंपटीशन हो, लेकिन जब वो मिल जाती है ना तो हम उसमें रैंक कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हो गई अभी फायदे की बात। अब देखें, माइक्रो निच हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया है। होता क्या है, जब हम माइक्रो निच कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट में तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें एक अच्छा जो है माइक्रो निच मिल गई है, हम इसमें लो कंपटीशन है, हम रैंक कर जाएंगे। लेकिन उसमें मसला क्या होता है, उसमें मसला ये होता है कि आप ये नहीं समझ पाते हो कि अब आप इस माइक्रो निच में आप नेक्स्ट आर्टिकल्स क्या लिखो। माइक्रो निच एक जो है ना टॉपिक, आप कह सकते हैं एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम ले लेते हैं और हम उसको उस पे ब्लॉग बनाते हैं, उस पे काम करते हैं। तो उसमें जो है ना हम फिर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो न्यू बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रो निच तो उन्होंने ले लिया है, अब नेक्स्ट आर्टिकल वो इस चीज के बारे में लिखें क्या। निच में आप जो है ना आपके पास बहुत एक क्या कहते हैं कि फायदे की बात होती है, या ऐसा कह लें कि आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप किसी भी उस पूरी निच में किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो। अब आप माइक्रो निच में कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लें तो उस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कितना कुछ लिखोगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अगर जाती हूँ वेट लॉस में, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज है ना। अभी यहाँ पर अगर मैं अगर टॉपिक ही यही ले लेती हूँ कि साइड इफेक्ट ऑफ कटिंग कैलोरीज या इस तरह से, बस मेरा ये एक मेरा ये ब्लॉग का टॉपिक है, मेरा आर्टिकल का ये टॉपिक नहीं है। मैंने अपना पूरा ब्लॉग इसी एक चीज पे बना लिया है, तो अब मैं इस पे कितने आर्टिकल्स लिख सकती हूँ। तो ये चीज जो है ना आगे फिर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है कि अब वो आगे के कहाँ जाए। अब आपको अच्छा, यहाँ पे गिग का क्वेश्चन आ गया कि आपके गिग के स्टेटस नहीं चेंज हो रहे, गिग शेयर भी काफी कर चुके हैं, और तो आप एक काम करें ना, गिग डिलीट करके न्यू बना लें, इसमें इतना कोई मसला नहीं होता। अगर आपकी गिग अपियर नहीं हो रही, आप डिलीट करके न्यू बना लें, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है आपका। या फिर आप कुछ टाइम वेट करें, मे बी आपकी गिग जस्ट जो है ना बूस्ट हुई हो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि न्यू अकाउंट पे बूस्ट होती है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जो है ना वो अपने रैंकिंग के हिसाब पे चले जाती है पोजीशन पे। मैं वेट लॉस जैसे एक माइक्रो निच, बिल्कुल भी माइक्रो निच नहीं है, किसने कह दिया ये माइक्रो निच जो निशा नहीं है वेट लॉस। वेट लॉस एक बहुत हाई कम्पिटिटिव है, हेल्थ में तो काफी हाई कंपटीशन है। ये आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे ये आप लोगों को चीजें समझ आएंगी, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ेगी कि टूल्स जो है ना पेड होते हैं और फ्री भी होते हैं। हर एक चीज में ये चीज आपको मिलेगी पेड और फ्री में। तो पेड टूल्स जो है वो ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, फ्री थोड़ा सा कम करते हैं, खास निच के लिए तो पेड टूल्स जो है ना बहुत हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप न्यू गिग बनाएंगे जुनेद तो आपको स्टार्ट से ही करना होगा, बट न्यू गिग में इतना कोई मसला नहीं होता, आपको बूस्ट मिलती होती है न्यू गिग पे, ठीक है। आप इसको डिलीट ना करें, इसको रहने दें और न्यू बना लें। ये अगर वापस आ जाती है तो आप दूसरी, अगर उस पर कोई नहीं आता ऑर्डर तो उसको आप रोक लें या फिर डिलीट कर दें, या दोनों ही पड़ी रहें, तो इसमें कोई इतना खास मसला अभी नहीं है। आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो कि अभी आप दोनों ही बना लें, ठीक हो गया। आप टैग्स भी चेंज करके कोशिश करें, मे बी उसमें आ जाए, लेकिन आप न्यू भी बना सकते हो कि दो गिग्स आपकी हों, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं वापस अपने टॉपिक पे जाती हूँ। अब टॉपिक हमारा था, अब आपने ये चीजें समझनी है। अब देखिए, वेट लॉस जो है ना, नहीं जुनैद फाइबर इशू नहीं होगा, वेट लॉस हाई कम्पिटिटिव एक वो है, इसमें बहुत कम्पिटिशन है। अब जैसे मैंने वेट लॉस सर्च किया था और यहाँ पर देखें बड़ी बहुत वो वाली साइट्स आई हैं, हेल्थ लाइन, मे बी किसी ने यहाँ पे नाम सुना हो, लेकिन अभी आप देखें ब्लॉगिंग में न्यू है ना, तो आप लोगों को इस तरह का आइडिया भी नहीं होगा कि ये हेल्थ लाइन को बहुत बड़ी साइट है, और ये किस वजह से बड़ी साइट इसको मैं कह रही हूँ। ये चीजें अभी आपको जो है ना कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जब आप निच रिसर्च करेंगे आपको मैं एक क्राइटेरिया दूंगी कि इस पे आप करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करी एक साइट तो इसका मतलब है वो हाई अथॉरिटी साइट है, उस चीज में हमने नहीं जाना।
अब मैं माइक्रो नीच और नीच को आपको समझ आएगी कि हमें इसमें फायदा क्या होता है, हमें उसने उसमें नुकसान क्या होता है। बहुत से लोग जो हैं वो माइक्रो नीच को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, उनको चीजों का पता इतना होता है कि वो माइक्रो नीच में भी सर्वाइव कर जाते हैं। बट जो न्यू बच्चे होते हैं ना, उनका मसला ये बनता है कि माइक्रो नीच में उन्हें समझ ही नहीं आती कि नेक्स्ट वो आर्टिकल लिखें किस चीज के बारे में। या आप तो ऐसा है कि आपकी टीम में कोई अच्छा कंटेंट राइटर हो जिसको आप, जिससे पहले आप जो है ना डिस्कस कर लें कि इस टॉपिक पे मैंने ब्लॉग बनाना है तो इसमें आप कितने आर्टिकल्स जो है ना लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ब्लॉग की मेन टाइप्स कह लें, या हाँ मेन टाइप्स ही आप इसको समझ लें, उसमें क्या होता है, उसमें होता है एफिलिएट और एडसेंस। ठीक है, दो ये चीजें आती हैं। अब एफिलिएट क्या होता है, एडसेंस को तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम एक ब्लॉग बनाते हैं, उस पर अपने आर्टिकल्स डालते हैं, उस वो जब रैंक करता है उस पर ट्रैफिक करती है, हम एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। एडसेंस अप्लाई करने के बाद, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एडसेंस अप्लाई करने के बाद हमें अप्रूवल मिलता है। और इस तरह से जैसे ये एड, ये देखें एड, एड्स बाय गूगल, ये एड्स शो हो रहे हैं यहाँ पे, ऊपर शो हो रहे हैं। फिर जो हमारे साइट पे ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब ब्लॉगिंग में क्या है, यूजर्स विजिटर्स, हम लोग समझे, ये मैं अब यहाँ पे ना ट्रैफिक में आ गई हूँ, मैं विजिट कर रही हूँ ना ये ब्लॉग, तो ये जब चीजें यहाँ पे ट्रैफिक आती है ना तो हमें अर्निंग हो रही होती है। ये अब इस एड को मैंने एक बार देखा तो ये इंप्रेशन काउंट होगा, जैसे हम गिग का स्टैट थे, ये इंप्रेशन काउंट होगा, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये क्लिक काउंट होगा। क्लिक में जो है ना ज्यादा पेमेंट मिलती है, बट इम्प्रेशन में वो पर 1000 के हिसाब से मिलती है, और वो वेरी कर रहा होता है कि आपके क्या टॉपिक किस चीज के बारे में है। वो एडसेंस की बातें हैं, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, इस तरह के जो है ना एड्स शो हो जाते हैं। और ये हो गई एडसेंस की, जो एडसेंस वाली वेबसाइट होती है वो इस तरह से होती है। अब जो है ना एफिलिएट क्या होता है, एफिलिएट होता है कि हम आर्टिकल लिखते हैं और हम एक चीज इनडायरेक्टली जो है वो सेल कर रहे होते हैं। हम स्टोर नहीं कह सकते, स्टोर में तो सिंपल लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, आप बाय कर लो। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम आर्टिकल्स लिखते हैं। आर्टिकल्स में भी मुझे यहाँ पे कुछ एफिलिएट आर्टिकल भी मिल जाए, मैं ढूंढने की वही कोशिश कर रही हूँ। आर्टिकल लिखने के बाद उसमें लिंक होता है कि ये चीज आप जो है ना यहाँ से बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखती हूँ, मे भी मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए। अच्छा, अभी इसमें कुछ मुझे ऐसा मिला नहीं है, एक सेकंड के लिए जो है ना मैं स्क्रीन नहीं शो कर रही, मैं एक कुछ साइट देख लूं फिर आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, एक साइट मेरी नजर में आई तो है, मैं देख रहा हूँ इसमें एफिलिएट लिंक है तो नहीं, क्योंकि आप लोग तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे। अच्छा एक, हाँ इसमें है बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बट कुछ नहीं होता उससे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपल लिखा कि बेस्ट गिटार, और मैंने ये फर्स्ट लिंक ही ओपन कर लिया। अब ये मैंने लिंक ओपन किया तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने लिखा हुआ है कि 15 बेस्ट इलेक्ट्रिक गिटार 2021, ये इन्होंने लिख के फिर इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने गिटार की इमेज लगा दी है यहाँ पे, इन्होंने कुछ क्या कहते हैं सेटिंग या लेआउट में अपना अपने कस्टमाइजेशन की हुई है। यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखा हुआ है। अब ये देखे, ये सेम टू सेम वही आर्टिकल है जिस तरह इन्होंने लिखे हुए आर्टिकल। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने ये नंबर वन बताया, ये वाला इसकी अब ये फीचर्स बता रहे हैं, इन्होंने प्राइस बताई, ये इसकी जो भी इनके फीचर्स हैं गिटार के, ये बॉडी नेक और फिंगर बोर्ड। अब ये म्यूजिशियन जो होंगे उनको अच्छी तरह समझ होगी कि ये क्या चीजें हैं, बट ये इन्होंने फीचर्स बताए। फीचर्स बताने के बाद ये इन्होंने जो है ना इसके प्रोज कॉन्स होते हैं वो बताएं, ये प्लस इसका मतलब है कि ये प्रोज है ये कॉन्स है, प्रोज कॉन्स का मे भी आपको आइडिया हो, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे ये देखें, ये आइकन है प्लस का, इसका मतलब है ये इसके एडवांटेज या इसका फायदा या इसकी अच्छी बात, नेगेटिव
और जो है ना इसका मतलब है कि क्या डिसएडवांटेज है, या फिर ये कह सकते हैं कि मतलब हाँ डिसएडवांटेज ही आप इस चीज़ को भी ले लो। अब ये प्लस और नेगेटिव से इसने ये चीज़ जो है ना शो करवाई भी है। मुझे ज़रूरी होता है एफिलिएट में आप प्लस नेगेटिव या प्रोज कॉन्स या एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताओ। यहाँ पर देखें सी आर प्राइसेस व्यू एट थोमैन जो भी इसका नाम है, और यहाँ पे एक बटन सा लगा हुआ है और यहाँ पे प्राइस है, और जब इस पे हम क्लिक करते हैं ना ये हमें इधर लेके आ जाता है। जब इधर आते हैं इसको मैं यहाँ से इंग्लिश कर देती हूँ, और ये देखें यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अब जो यहाँ से बाय करेगा ना, अब मैं इधर से क्लिक करके आई हूँ इस वेबसाइट से, यहाँ पर मैं आती हूँ और मैं ये गिटार बाय कर लेती हूँ, ऐड टू कार्ट करती हूँ, और जो भी ये मिस में नीचे इन्होंने भी इसके फीचर्स काफी बताए हुए हैं, बाय करती हूँ तो इसको कमीशन मिलेगा, इस वेबसाइट के ओनर को कमीशन मिलेगा। अब इसी तरह इसने बाकी भी बताएंगे, और इसी तरह ये बटन लगा के जो है ना यहाँ पे कहेगा कि ये आप लोग बाय कर सकते हो। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप लोगों को एडसेंस और एफिलिएट की समझ आई है, जल्दी से मुझे ये चीज बताएं, किसी को अभी ये चीज समझ ना आई हो एफिलिएट और एडसेंस क्या है। जल्दी से मुझे बता दें, किसी को समझ ना आई हो, या तो किसी को ही समझ नहीं आई। अच्छा जमीला को तो समझ आ गई है। बाकी लोग भी जल्दी से बता दो। अच्छा अब आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हैं कि एफिलिएट क्या है, एडसेंस क्या है। अभी मैं एक और चीज ऐड करती हूँ, एडसेंस की जो वेबसाइट होती है ना वो फ्रिक्वेंटली अपडेट करनी पड़ती है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि हमें उस पे आर्टिकल ज्यादा पब्लिश करने पड़ते हैं, लेकिन जो एफिलिएट साइट्स होती हैं उन पे हम इतना ज्यादा पब्लिश आर्टिकल्स नहीं कर रहे होते। बट एफिलिएट आर्टिकल्स की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एडसेंस आर्टिकल्स पे। एडसेंस का अच्छा आर्टिकल 1000 वर्ड्स का भी हम कह देते हैं कि अच्छा है आर्टिकल, बट वो फिर हमारे कंपटीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा कंपटीशन किधर है, हम किधर हैं। ऐसा एडसेंस ये है कि हम एक ब्लॉग बनाते हैं और जो है ना हम उसमें आर्टिकल्स लिखते हैं, और हमारे पास जब ट्रैफिक आती है हम एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। एडसेंस हमारी साइट देखने के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, और वो कभी रिजल्ट बताते हैं कभी नहीं भी बताते, जस्ट कहते हैं कि पॉलिसी वायलेशन है। ठीक है, अब अप्रूव होने के बाद हमारी वेबसाइट पे एड शो हो जाएंगे, जिस तरह इस वेबसाइट पे ये एड शो हो रहे हैं। ये देखें ये एड शो हो रहा है, ये यहाँ पे एड्स बाय गूगल आ भी रहा है, ये एड शो हो रहा है। तो जब यहाँ पे लोग आएंगे ना हमारी साइट पे, ये एड्स देख लिया, इंप्रेशन काउंट होगा, अगर क्लिक करते हैं तो वो क्लिक काउंट होगी, फिर वो एडसेंस की जो है ना अकाउंट में आपका शो हो रहा था कि कितने इंप्रेशन है, कितने क्लिक्स हैं, और उस बेस पे आपको पेमेंट दी जाती है। आप एडसेंस के जरिए अर्न कर रहे होते हैं, आपने अप्रूवल लिया, आप आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, आप एसईओ करते हैं, अपने ब्लॉग को रैंक करते हैं, और आपकी अर्निंग होती है। एफिलिएट में आप क्या करते हो, आर्टिकल लिखते हो, एसईओ करते हो, रैंक करवा के फिर जो है ना जब लोग आके वहां से बाय करते हैं ना तो आपको कमीशन मिलता है। वहां पे आप एडसेंस अप्रूव करवाओ ना करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा इनमें फर्क क्या है कि ये फर्क क्या है कि एडसेंस में देखें आपके पास हजारों में ट्रैफिक आएगी ना, तब अब हमें जो है ना पर 1000 इंप्रेशन के हिसाब से पेमेंट मिलती है, वो कुछ पॉइंट में डॉलर हो सकते हैं या 1 डॉलर हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आगे आपको क्लियर होगा। अभी बस आप देखेंगे पर इंप्रेशन पर 1000 के हिसाब से पेमेंट होती है, और क्लिक पर क्लिक होती है। अगर आप वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके एड्स किस निश में शो हो रहे हैं, पर इसमें यह है कि आपको आप सिंपल बस इतना ले लो कि आपको जो है ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा चाहिए होती है एडसेंस अर्निंग में। लेकिन अगर एफिलिएट में आपके पास 5 लोग भी आ जाते हैं ना, और उन 5 में से 1-2 आपके साइट से बाय कर लेता है, तो आप जो है ना अच्छा खासा अर्न कर लेते हो उस एफिलिएट
कमीशन से। तो एफिलिएट में हमें इतने ज़्यादा ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती, हमें सेल्स जनरेट की होती कि हमारी जो है ना पर मंथ 20-30 सेल्स भी हो जाएं, तो वो बड़ी बात होती है। और वो डिपेंड भी कर रहा था कि फिर आपको कमीशन कितना मिलेगा। तो ये एक इसमें जो है ना एड्स लगाते क्यों हैं, जो नहीं एड्स इसलिए लगाते हैं ताकि अर्निंग हो। अब देखिए साइट्स ये एडवर्टाइज करवाने के लिए ही तो वो पैसे दे रही होती हैं, बहुत से जो लोग होते हैं वो पैसे दे के एड्स लगवाते हैं, और वो ऐसे साइट्स पे लगाते हैं जिनकी जो अच्छी साइट्स हों, जिन पे ट्रैफिक हो। अब बहुत से लोग होंगे जो इस एड के जरिए जो एडवर्टाइजर होगा उनकी साइट पे जाएंगे, वहां से बाय करेंगे वट एवर, जैसे ड्रामे वगैरह जो टीवी चैनल पे कमर्शियल आ रही होती हैं, ये वो वाली बात है। बिल्कुल एड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब जब हम जाते हैं ना अपने निच रिसर्च में, या हम लोग एक निच रिसर्च को एज अ स्किल लें, तो वहां पर फिर आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। दो चीजें इस तरह से आएंगी कि आप निच रिसर्च एफिलिएट में भी करोगे और एडसेंस के लिए भी करोगे। अब इन दोनों के लिए जो है ना फर्क होता है, दोनों में, दोनों के क्राइटेरिया जो है ना डिफरेंट होता है। दोनों के लिए कंपटीशन तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही हम देखते हैं, बट सर्च वॉल्यूम में जो है ना हम देखते हैं कि उसमें हमें फिर डिफरेंट चीजें मिलती हैं। अब सर्च वॉल्यूम क्या है, अब कुछ फैक्टर्स मैं यहाँ पे आपको जो है ना बताती हूँ कि हम क्या क्या चीजें देखते हैं। एक होता है हमारे पास सर्च वॉल्यूम, और एक हमारे पास होता है कंपटीशन, और एक हमारे पास होती है सीपीसी। अब ये चीजें, सर्च वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम ये है कि कितने लोग उस कीवर्ड को या उस एक टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, ये सर्च वॉल्यूम होता है। अब नाम से भी जाहिर हो रहा है सर्च वॉल्यूम कि उसका कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं, या उस पर कितनी ट्रैफिक हो सकती है, ये चीज हम देखते हैं। कंपटीशन, अब ये तो इसका तो हम नाम गिग्स में भी लेते रहे कंपटीशन। अब ये देखते हैं कि वो कितने उसमें जो है ना हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है, वो हम देखते हैं कि इसमें कितना है, मतलब वो ये देखना कैसे है ये आगे की बात है, जस्ट अभी आप इनका मतलब समझ रहे हैं। तो कंपटीशन सिंपल सी बात है कि इसमें कितना कंपटीशन है ये देखते हैं। सीपीसी हम देखते हैं जस्ट एडसेंस में। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक करने पे आपको कितनी कॉस्ट मिलेगी बाय एडसेंस। अभी मैंने आपको क्लिक का बताया था कि एड पे क्लिक करते हैं तो वो एक क्लिक काउंट होती है, ठीक है। अब ये इन तीनों में किसी का कोई क्वेश्चन है, एक सर्च कंपटीशन और सीपीसी में? जल्दी से मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, अभी तक जो है ना ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब अभी तो ये सिर्फ हमने बातों में ये चीजें समझी हैं, अब हम थोड़ा सा जो है ना इनको प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब ये जो है ना आप लोग थोड़ा सा इसको खुद देखें, आप लोग को अभी अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें इस चीज का। सारे लोग अपने लैपटॉप पे कुछ ना कुछ सर्च करें। अब एक चीज और आप सुन लें, आप लोग ने सर्च कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें आप लोग जो है ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और यहाँ पे इसको मैं बंद करती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा था वेट लॉस, तो यहाँ पर कुछ जो है ना ये मैप्स में भी शो होते हैं, बट उसको इग्नोर करें। यहाँ पर जाती हूँ, इसको ओपन कर लेती हूँ, ये एक मेरे पास आ गया। उसके बाद कुछ इस तरह, अब देखें ये सारे के सारे एक आर्टिकल्स ही हैं। अब यहाँ पर जाती हूँ तो यहाँ पर आर्टिकल मुझे मिल जाता है, ये एक चीज, ये यहाँ पर देखें एड्स शो हो गए इस तरह से। अब मैंने क्या सर्च किया, सिंपल मैंने सर्च किया वेट लॉस। यहाँ पर आप लोग कुछ और भी सर्च कर सकते हो, डिफरेंट चीजें, जैसे कि यहाँ पर ये देखें वेट लॉस टिप्स एट होम मैंने किया, मेरे पास ये चीजें आ गई हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सारे जो है ना, ये सारे
एडसेंस की निकली है मेरे पास, साइट्स या ब्लॉग्स कह लें, ये सारे जो हैं। अब मे भी इनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एफिलिएट भी कर रहे हों। एफिलिएट कैसे कर रहे हैं? अब वेट लॉस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल भी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती है ना कि वो चीज़ें सेल हो रही हों, लाइक कुछ भी हो सकता है। कुछ वो टेबलेट्स भी आई थिंक होती हैं वेट लॉस की, या कोई डाइट प्लान जो है वो कुछ वो भी साथ में टिप्स के साथ सेल कर रहा हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। बट बेसिकली ये है क्या, ये है एडसेंस की, क्योंकि इस पे ये एड्स के जरिए अर्न कर रहे होते हैं। इनकी मेन अर्निंग जो होती है वो एड्स के जरिए ही होती है। ये एक साइट आ गई है यहाँ पर, ये देखें ये एड्स ऊपर शो हो गए ये। तो अब इनकी जो मेन अर्निंग होती है वो एडसेंस से हो रही होती है। इस तरह आप इनकी सिंपल से आप जो मर्जी कीवर्ड लिखो, जो मर्जी क्यूरी लिखो, ये आपके पास इस तरह से शो हो जाएंगे। लेकिन जब आप एफिलिएट में जाओगे ना, तो वहां पर आपको ये देखे बेस्ट लिखना पड़ेगा, या टॉप लिखना पड़ेगा, या फिर एंड पे रिव्यू लिखना पड़ेगा। वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक चीज का रिव्यू लिख रहे होते हैं। रिव्यू का क्या मतलब होता है, जैसे ये गिटार की एग्जाम्पल हमने ली है, तो वो गिटार का रिव्यू करेंगे कि कौन सा गिटार है, उसमें क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, उसके फीचर्स क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे सारी, वो क्यों लेना चाहिए उसमें, ये जिस तरह से ये देखें, ये 14 हो गया और ये देखें 15 तक इसने लिखा। फिर इसके बारे में इसने थोड़ा सा जो है ना उसके बारे में बता दिया, जैसे ये उसके मटेरियल के बारे में बता दिया, उसकी बॉडी के बारे में बता दिया, इस तरह से जो है ना उसके फीचर्स भी बता दिया और उनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। बेसिकली वो रिव्यू कर रहे होते हैं, वो लोगों को बता रहे होते हैं। और ये लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब देखें कोई एक बंदा गिटार लेना चाह रहा है, तो वो यहाँ पर ये लिखेगा ना कि बेस्ट गिटार, वो यहाँ पे आके पढ़ता है और फिर वो यहाँ पे डिफरेंट पढ़ के यहाँ पे फीचर्स देख के और डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा गिटार लेना है। जो नॉर्मली ऐसे ऐसे जो चीजें सर्च करते हैं वही लोग सर्च करते हैं ना जो गिटार लेना चाह रहे होते हैं, वो लेने के लिए ही आते हैं। वो फिर इस तरह से जो है ना क्लिक करते हैं और जाके फिर बाय कर लेते हैं। बहुत ऐसा तो बहुत कम होता है ना वो कि आप कोई ऐसे ही सर्च करे बैठ के बेस्ट गिटार, कोई क्यों सर्च करेगा जब उसने लेना ही नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि लेना नहीं हो और वो सर्च कर रहा हो। तो इस तरह से जो है ना आप इस एफिलिएट आपने सर्च करना है जब ब्लॉग्स, तो आपने साथ में बेस्ट लगाना है, टॉप लगाना है, या फिर एंड पे आपने रिव्यूज लगाना है। ये तीन फिल्टर्स आप कह लें, ये चीज जो है ना आप लगाएंगे तो आपके पास एफिलिएट के साइट्स आएंगी। अब इस सब ने ये नहीं करना कि मैंने प्रैक्टिस की है तो आप सब लोग शुरू हो जाओ गिटार पे, डिफरेंट चीजें यूज करो, या आप सारे लोग वेट लॉस पे स्टार्ट हो जाओ। ये चीज मैं बिल्कुल ना देखूं कि यहाँ पर मैं जो चीज बताती हूँ वही आप लोग उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने हिसाब से सोचना है। और इस तरह से मैम ये जस्ट हम एक सेकंड गूगल कीवर्ड सर्च कर रहे हैं हम एडसेंस एफिलिएट का कैसे पता चलेगा। अच्छा मैंने यही बताया कि अगर आप सिंपल लिखोगे ना अपनी क्यूरी लिख दे, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा था वेट लॉस टिप्स एट होम, इस तरह से कुछ था, तो वो अगर आप लिखोगे ना तो आपके पास एडसेंस की ही चीजें आएंगी। उसमें कुछ रिव्यू नहीं हो रहा, आपको टिप्स मिल रही हैं या आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं मिल रहा। रिव्यू का क्या मतलब होता है, एक चीज को रिव्यू, जैसे मैंने अभी कहा था कि हम जो है ना रिव्यू करेंगे एक दूसरे के जो डिजाइन बने होंगे उसमें हम बताएंगे कि ये चीज अच्छी बनी है, ये चीज आपका फॉन्ट स्टाइल अच्छा है, पर ये जो आपने साथ में ये आइकन लगाया ना ये अच्छे नहीं लग रहे, ये रिव्यू हो गया। कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में रिव्यू देना, उसके बारे में बताना अपना ओपिनियन, ये रिव्यू होता है। ये एफिलिएट साइट्स को फिल्टर करने के जो मैंने जो तीन फिल्टर्स बताए हैं निकालने के लिए या उनको फिल्टर करने के लिए, वो ये है कि आप स्टार्ट में आप गिटार्स के बारे में चाह रहे हो, आप किसी भी चीज के बारे में, आप स्टार्ट में बेस्ट लगा दो, टॉप लगा दो, या फिर एंड पे गिटार रिव्यू लिख सकते हो, बेस्ट गिटार रिव्यूज लिख सकते हो, टॉप गिटार्स लिख सकते हो, टॉप गिटार्स रिव्यू लिख सकते हो। और मैं रिपीट कर रही हूँ कि किसी ने अब गिटार को नहीं देखना, गिटार हमने देख लिया है, अब आप किसी और चीज के बारे में देखो, जल्दी जल्दी से देखो, और सारे फिर मुझे बताएंगे भी सही यहाँ पे कि किसी ने क्या देखा है। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी करें, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।
अच्छा एक चीज़ और भी, आप लोग जो है ना अभी हमारे एडमिशंस दोबारा से ओपन है न्यू बैच के लिए, तो आप सब लोग ना एक काम करें कि अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें, अपने जो भी FB प्रोफाइल है, ट्विटर है, व्हाटएवर, जो आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये फ्री कोर्स है, आप इसको प्रमोट करो ताकि जो बाकी लोग हैं जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या जो अभी जो है ना वो भी उनको समझ नहीं आ रही कि वो नेक्स्ट क्या करें, या वो ऑनलाइन काम में स्ट्रगल करें, तो उनको भी हेल्प हो। तो आप लोगों ने काइंडली ये एक जो है ना फेवर करनी है सबने, ठीक है? आप ग्रुप में देख सकते हैं, ये पोस्ट भी है, सर असल ने भी अभी की है, और दूसरे हमारे जो सर हैं बखर सेंटर के लैब मैनेजर, वो भी करते रहते हैं, तो वहाँ पे डेट भी है। आपको एक डिज़ाइन पिक है वो कॉपी करके आप जो है ना वो कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो एडमिशन की पोस्ट है वो कर सकते हैं, मेरी टाइमलाइन पे भी पब्लिश है, वो कॉपी कर लें और जो है ना उसको शेयर कर दें। अभी तो एडमिशन्स हो रहे हैं, फिर होगा कि उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं। और उनकी क्लासेस आपके बैच के बाद ही होंगी। जल्दी से आप लोग ये जो है ना प्रैक्टिकल करें, और फिर मुझे बताएं कि किसी चीज की समझ नहीं आई और कुछ भी ऐसा, आपको आप साइट्स को देखें कि उन्होंने किस तरह से जो है ना ब्लॉग बनाए हुए हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, साइट्स को कंपेयर करो कि देखें अब बेस्ट किरदार जैसे हमने किया था, तो वहां पे अगर हम दो साइट्स ओपन कर लें कि कौन सी ने अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग में है, बट अभी आप इस चीज पे भी काम करें। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ ले अभी। अच्छा आपने ऐसा लिखा बेस्ट लैपटॉप इन 2021, ठीक है। फिर आपको कोई एफिलिएट साइट्स डेफिनेटली नज़र आई होंगी, आई है ना? फिर उन्होंने किस चीज़ का आगे लिंक दिया हुआ था, बाइक का कोई बटन वगैरह था या नहीं था? अच्छा आपने लिखी डिजीज और कंडीशंस, तो एडसेंस ब्लॉग गए। अच्छा DSLR कैमरा सर्च किया, तो इसमें आपको क्या चीज़, आपने जस्ट ये लिखा DSLR कैमरा, तो इसमें आपको क्या रिजल्ट मिला है अलीना? एफिलिएट साइट्स थी या एडसेंस थी? अच्छा क्या चीज़ कंटेंट राइटिंग में आ जाती है? अच्छा नेवर, आपने बेस्ट टॉयज लिखा, आपको डेफिनेटली एफिलिएट ही मिली होंगी। अरे ना आप बताएं, आपने DSLR कैमरा लिखा तो आपको क्या चीज मिली? अच्छा एफिलिएट थी, सारी की सारी एफिलिएट थी या कुछ और भी था? चले हम इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर अब उन्होंने देखे बेस्ट लगाया था, तो उसमें डेफिनेटली जो है ना सारी की सारी ही, या फिर ऑलमोस्ट सारी जो है ना वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो आई प्रोडक्ट्स रहा है, तो ये तो एक वो हो गई, ये तो एक ऑफिशियल वैसे भी साइट है, यहाँ पर भी ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी प्राइसेस की बात हो रही है, और प्राइसेस ये भी नेक्स्ट दराज का आ गया, उसके बाद
ऑनलाइन प्राइसेस, हम इसका चले दूसरा वाला देखते हैं कि पेजेस में क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। ये भी बाय कह रहे हैं सारा, ये देखें ये एफिलिएट साइट आ गई, बेस्ट DSLR इन 2021। अब अलीना आप मुझे एक और बात बताएं, आपने DSLR लिखा था तो आपने किस चीज़ के लिए लिखा था? ये आपने एफिलिएट के लिए लिखा था, आपने एडसेंस के लिए लिखा था, आपके माइंड में क्या चीज़ थी कि आप किस चीज़ के बारे में सर्च कर रही हैं? अच्छा, आपने ट्रेंडिंग ज्वेलरी सर्च की, ठीक है मैं इसको भी आती हूँ, इस पर भी आई। और मारिया ने किया है, अच्छा कॉस्मेटिक्स मोस्टली यूज बाय पाकिस्तानी वोमेन। तो मारिया आपको इस चीज़ में फिर क्या मिला है? एडसेंस एफिलिएट, क्या चीज़ आपको नज़र आई है? फिजा आप लिंक्स क्या एफिलिएट की कह रहे हैं कि मतलब बाय करने का उन्होंने बताया हुआ था कि आप ज्वेलरी यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब देखें ना, ज्वेलरी को अगर आप लें तो ये दोनों चीज़ों में ही आ सकते हैं। काफ़ी लोग ज्वेलरी के बारे में आर्टिकल्स भी लिखते हैं। अच्छा अलीना, आपने एफिलिएट के लिए लिखा था प्राइस चेक करने के लिए, तो आपको यहाँ पे साथ में आपने फिल्टर यूज़ नहीं किया, आपने लिख दिया DSLR कैमरा, बट आप यहाँ पे लिखो ज़रा साथ में बेस्ट DSLR कैमरा, और फिर देखो फिर आपको क्या मिलता है, या फिर टॉप लिख दो या रिव्यूज़ लिख दो, इस तरह से लिखो और फिर देखो कि आपको क्या मिलता है। डेफिनेटली एफिलिएट ही मिलेंगी, बट आपको देखें साइट्स कोई डिफरेंट मिलती हैं या वही नज़र आती हैं? डिफरेंस रिपीट कर दूं फिजा, ठीक है, क्या आप एफिलिएट एडसेंस का कह रही हैं ना? अच्छा, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये एफिलिएट है या एडसेंस है। अच्छा, हम आपकी क्यूरी को सर्च करते हैं और जो है ना इसको देखते हैं कि ये क्या था, आपका क्या था, मैं देख लेती हूँ। आपने किया बेस्ट लैपटॉप इन 2021, इसका आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप जो है ये एफिलिएट है या एडसेंस है। आपने फिल्टर तो लगाया है उसका एफिलिएट का, तो ये लग रहे नहीं, आप कंफर्म करें। अच्छा अब देखते हैं, बेस्ट लैपटॉप 2021, ये चीज आ गई मेरे पास, पहला लिंक मैंने ओपन किया। अच्छा नेक्स्ट ये है, मैंने ये जो है ना ये भी ओपन कर लेती हूँ, और अभी रुकते हैं पहले ये देख लेते हैं ये। अच्छा ऊपर इन्होंने पिक्स लगाई हुई है, नीचे कुछ आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए रिव्यूज में, ये देखें ये आ गए हम यहाँ पर, इन्होंने कुछ एड भी शो करवाए हुए हैं, ये देखें यहाँ पे ये इसकी प्राइस मेंशन कर रहे हैं। अब ये लिंक आ रहा है, प्राइस मेंशन की है, ये लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, ये हमें कहाँ लेके जाता है? ये देखें ये ले आया ना इस एप्पल वाली साइट पे कि यहाँ से आप बाय कर लो। तो ये अब क्या है, एफिलिएट है। यहाँ पर जैसे ही हम बाय करेंगे तो जो है ना कमीशन उनको मिल जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये कह रहे हैं जंप टू डिटेल, अगर कोई लेना चाह रहा है कि फौरन से उसको प्राइस का इशू आ रहा है, प्राइस देखता है ले लेता है, या फिर जंप टू डिटेल करते हैं, ये हमें यहाँ पे लेके आ गया है। ये देखें ये हमें डेल की साइट पे लेके चला जाएगा, क्या वहां से बाय कर सकते हो? उसके बाद क्या चीज आएगी, ये एक आ गया, सेम ऐसे ही हो रहे हैं सारे, और कहीं ना कहीं जो है ना, अब एक चीज ये देखें, इन्होंने डायरेक्ट जो है रिव्यू तो स्टार्ट नहीं किया, बेस्ट लैपटॉप लेके कुछ लिखा लैपटॉप्स के बारे में, या बताया कि इस आर्टिकल में आपको क्या मिलने वाला है सारा कुछ, फिर इन्होंने कुछ अमेजोन प्राइम डे के बारे में स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में कुछ लिखा है, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि फिर उन्होंने कहा है कि व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप्स राइट नाउ। अब ये यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि कौन से बेस्ट है, उन्होंने लिखा फिर बेस्ट लैपटॉप यू कैन बाय टुडे, ये लिख के ये लिखा। और अब इन्होंने यहाँ पर देखें ये अब व्यू का बटन है ना, तो जैसे ही व्यू करेंगे हम अमेजोन पे चले जाएंगे, और वहां से डेफिनेटली अमेजोन से जो है ना बाय होता है। अब नेक्स्ट पे भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है,
तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि एफिलिएट के लिंक है नहीं है। अच्छा अब देखा ना आपने, चेंज है वो चीजें। अब जो आपने बेस्ट लगा के किया ना, वो आपको प्योर एफिलिएट चीजें मिल जाएंगी। प्योर एफिलिएट का क्या मतलब है कि वो रिव्यूज के साथ आपको किसी जगह भेजेंगे कि यहाँ से आप बाय कर लो। लेकिन आप जिस DSLR कैमरा देखोगे तो आपको मे पॉसिबल आपको इसकी कोई ऑफिशियल साइट मिल जाए, जो ऐसे स्टोर्स मिले जो कह रहे हो कि हमसे बाय कर लो। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, एफिलिएट और स्टोर डिफरेंट है। स्टोर का मतलब है अब वहां से ही बाय कर लो। एड्स के साथ वीडियो भी लगा सकते हैं, या जो है ना वीडियो लगाना आपके कंटेंट का हिस्सा है। एड के इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ एड में अगर वो वीडियो करते हैं कि एड में वीडियो प्ले हो रही है, तो वो एड्स किस तरह के लग रहे हैं वो एडसेंस का काम है, आपका काम नहीं है। आप कंटेंट में देख सकते हैं कि आपके कंटेंट में क्या चीज़ आ सकती है। वीडियो आ सकती है, पिक्स आ सकती हैं, आपका रिटन कंटेंट हो सकता है। तो डिफरेंट चीजें होती हैं, ये कंटेंट आप पे डिपेंड कर रहा होता है। देखा अब आपने बेस्ट कॉस्मेटिक्स लिखा, वो यूज्ड बाय पाकिस्तानी वोमन लिखा, तो एफिलिएटेड साइट्स आई हैं, वो पहली साइट से डिफरेंट है। आप लोगों ने जो पहली साइट एफिलिएट को माइंड में रखते हुए की थी, आपने फिल्टर नहीं लगाए थे, आपने बेस्ट नहीं लगाया था, आपने टॉप नहीं लगाया था, या रिव्यू, इनमें से कोई एक भी लगाएंगे ना तो एफिलिएट साइट्स आएंगी। क्यों? बेस्ट में अब देखा वो कंपेरिजन करवा रहे होंगे। बेस्ट में टॉप का भी वही मतलब होता है, रिव्यू तो वर्ड ही रिव्यू लगा दिया ना कि उसमें रिव्यू हो रहा होगा। अब बेस्ट अगर लिखेंगे तो बेस्ट डेफिनेटली वो एक तो नहीं ना उठा के दे देंगे कि ये बेस्ट है। हम कैसे माने ये बेस्ट है, ये कैसे हो सकता है कि वो हमारे लिए बेस्ट है। अब कॉस्मेटिक्स में जाएं, कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट चीजें होती हैं। लिपस्टिक्स ले लें अगर आप, तो अब हर बंदे के लिए लिपस्टिक अलग बेस्ट होगी। उसके अपने उस पर, एक तो उसकी चॉइस पे होगा, दूसरा उस डिफरेंट जो होता है ना बंदे के अपने चॉइस पे होते हैं, डिफरेंट और भी चीजें होती हैं जो मेकअप में, ये लड़कियों को तो बड़ा पता होगा कि किस तरह से देखा जाता है। तो वो हर बंदे के लिए बेस्ट अलहदा होगा। मे बी आपको रेड लिपस्टिक पसंद हो, किसी और को पिंक हो, अब उसके लिए बेस्ट पिंक है, आपके लिए बेस्ट रेड है। तो इसलिए बेस्ट में वो डिफरेंट चीजों दिखा रहे होंगे आपको 10-15, जिसको जो बेस्ट लगता है वो बाय कर ले। आयशा रिव्यू एडसेंस में नहीं आता, ये आप एसेंस नहीं लिखें, इसको एडसेंस है, AD एडसेंस। एड मतलब जो है ना एड को, जैसे एड से आप उसको ले लें, ठीक है। और रिव्यू जो है वो एफिलिएट में आता है कि किसी चीज का हम रिव्यू कर रहे हैं। एडसेंस में टिप्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन आते हैं, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल जो भी होते हैं। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे और भी देखनी है, एफिलिएट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर रिव्यू आर्टिकल्स हों। एफिलिएट में बाइंग गाइड्स आती हैं, वो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं, और ये चीज जो है ना गूगल बहुत देख रहा होता है कि कौन सी साइट्स जो है ना बाइंग गाइड लिख रही है। बाइंग गाइड में फिर डिफरेंट, जैसे अब अभी हमने एक साइट ओपन की तो उन्होंने क्वेश्चन का भी आंसर किया हुआ था, तो उनके जो है ना डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, फिर ब्लॉग्स में जाके जो है ना वो अपने बाइंग गाइड्स लिखते हैं। उसकी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे के, अच्छा बेस्ट आर्ट सप्लाईज में देखी है, एफिलिएटेड है और एडसेंस है। अच्छा हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइंग गाइड्स क्या होती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं किसी ने कुछ, ये तो बहुत असल में ना ये स्टार्ट की जो साइट्स है ना, ये बहुत अथॉरिटी वाली साइट्स आ जाती हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इसको भी नहीं देखती, मैं चलती हूँ कहीं आगे 5th पेज पे चलती हूँ। ये यहाँ पर जाते हैं और इसमें देखते हैं कि इन्होंने कुछ लिखा हुआ होगा। अच्छा अब ये जो है ना यहाँ पे शॉप का एक है, शॉप का मतलब है ये एक स्टोर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहीं पे शॉप का ही कह रहे हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो या अब बाय कर सकते हो। देख लेते हैं मजीद इसको, ये देखें इसको, अब देखते हैं कि ये क्या है। ये देखें, ये कह रहे हैं कि पेपाल से आप बाय कर सकते हो। यहीं पे ये बाय का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पेमेंट करो और बाय कर लो। अब इन्होंने भी एक ब्लॉग बनाया हुआ है और उसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, या हेल्पिंग। हेल्पिंग किस तरह से, जो यूजर को हेल्प कर रहे हो। ये देखें, कोर्सेज के बारे में बताया, लोगो डिजाइनिंग के बारे में बताया हुआ है, ये इस तरह से इन्होंने कुछ चीजें बताई हुई हैं। अब हम चलते हैं किसी और साइट पे,
एक ये है, इसको देखते हैं। बेस्ट पिक्स भी है और रिव्यूज, यहाँ पर तो रिव्यूज होंगे इनका ब्लॉग में भी। यहाँ पर सामने कोई ब्लॉग की मुझे कैटेगरी नजर नहीं आई, मैं नेक्स्ट देखती हूँ किसी को जाके। अब ये लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप, ये माइक्रोनिच नहीं है ना। अब देखें इसमें कितनी वो इधर तक अभी इतनी अच्छी अच्छी साइट्स आ रही हैं, तो फिर हम कहाँ पे आएंगे जो न्यू साइट के साथ आएंगे। इसको ओपन करके देखते हैं। जो मैं चाह रही हूँ कि आपको ना दिखा दे बाइंग गाइड किस तरह से होती है प्रॉपर एफिलिएट साइट की। अब इसकी ये जो है ना कैटेगरीज आ गई हैं, और यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, मोर। यहाँ पर भी कोई ऐसी बाइंग गाइड नहीं आई। इसमें भी मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया जो कि मैं आप लोगों को बाइंग गाइड की एग्जांपल दे सकूं। मे बी इसलिए कुछ लिखा हुआ। ये देखे गाइड्स, इसने एक बनाया हुआ है और इसमें फिर डिफरेंट इसने लिखे होंगे टॉपिक्स। ये देखें क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। ये इसने अब इसके बारे में इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे होंगे। यहाँ पे देखें हाउ टू प्ले जो भी इसने गेम है इसकी वो लिखा हुआ है। इस तरह से जो है ना इसने ऊपर गाइड की एक बनाई हुई थी, कैटेगरी कह लें या हाँ कैटेगरी ही थी वैसे। इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पर भी मुझे कुछ, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज में मिल जाते हैं, गाइड बाइंग गाइड या ब्लॉग इस तरह से लिखा होता है। और अब देखें ना ये जो है ना ओल्ड साइट्स हैं, इन्होंने इतना इस चीज़ को नहीं किया हुआ बाइंग गाइड को। लेकिन आजकल जो है ना जो न्यू साइट्स आ रही हैं, ये जो भी अभी एफिलिएट में है, इवन के ओल्ड साइट्स ने भी इस चीज को अपडेट किया, बाइंग गाइड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा एक सेकेंड, क्या ट्रेंडिंग ज्वेलरी सर्च करूं? ओके ये चीज ओपन कर ली हमने। ये ओपन हो गई, और इसके अलावा ये भी कर देते हैं, ये तो पिंटरेस्ट है, यहाँ पे तो पिक्स होंगी। ओके ये तो स्टोर होगा, और इसको भी देख लेते हैं। अमेजोन आ गया, और नीचे और भी साइट्स हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ एड जैसा मुझे लग तो रहा है। ये देखें एड्स बाय गूगल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये क्या चीज़ आ रही है कि शॉप है, ये मुझे लगता है ये यहीं पे ही कहेंगे कि बाय करें आप। ये देखें वही साइट है, और ये देखें यहाँ पे हमें ये ले गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये इसको कहाँ पे लेके जाता है। अब वहां पे वो एक इसके एक किसी और लिंक पे ले जाके उसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया ये इधर। अब ये वाला और ये वाला लिंक चेंज है। अब यहाँ पर जो है ना हम करेंगे जो भी बाय करेंगे तो इसको जो है ना कमीशन होगा। अब इन्होंने देखें एडसेंस भी यूज किया हुआ है, एफिलिएट भी किया हुआ है।
ये सारा इस तरह से होगा, ये इस तरह एसेंस एफिलिएट की एक साइड थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट किस चीज़ की है। ये एड्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी इन्होंने शॉप नाउ का कहा हुआ है, और ये रिडायरेक्ट कर देगा मैं किसी और पे। देखते हैं ये इनका पेज जो है ना नॉट फाउंड आ रहा है, और ये हमें रीडायरेक्ट अपनी ही साइट पे कर रहे थे। ये देखें शॉप, ये देखें सब डोमेन, इसको हम कह रहे हैं। ये देखें उन्होंने एक सब डोमेन बनाई हुई है अपनी इस मेन डोमेन की। अब समझ आ गई आप लोगों को ये सब डोमेन किस तरह से यूज होती है। अब मैंने इसके लोगो पे क्लिक किया, ये मुझे इसके होम पेज पे लेके जाएगी, और यहाँ पर फिर हम जो है ना इनकी जो है न्यू अराइवल्स वगैरह चीजें देख सकते हैं। ये अब इन्होंने अपने जो एक अपने डोमेन की सब डोमेन यूज की हुई है यहाँ पर सेल करने के लिए। ये एफिलिएट नहीं है अब, क्योंकि वो खुद ही सेल कर रहे हैं, वो खुद ही जो सेल करेंगे वो वाली पेमेंट ले रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए शॉप नाउ कह रहे हैं, और ये हमें किधर लेके जाएंगे, आई थिंक ये एफिलिएट में ही करेंगे। ये देखिए ये एफिलिएट है, ये हमें किसी और ही साइट पे लेके आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट चीजें यूज हो रही होंगी। एफिलिएट एडसेंस एक साथ भी यूज हो रहा होगा, अलग अलग भी हो रहा होगा। ये फिर आप जितना इस चीज को सर्च करेंगे ना, बेस्ट वैक्सीन फॉर कोरोना, इसमें एफिलिएट तो कुछ नहीं हो सकता। ये आप कोई बाय तो नहीं ना करेगा इसमें, आई थिंक व्यूज ही होंगे। देख लेते हैं, डिफरेंट लिंक्स दे सकते हैं वो जिधर से मर्जी। वो देखो वो साइट भी तो इतनी अथॉरिटी वाली है ना, वो उनका उन उनको मे बी लोगों ने अप्रोच किया हो कि आप ये हमारी जो है ना प्रोडक्ट अपनी साइट पे लिस्ट करें, तो उन्होंने इसलिए वो उनको कमीशन दे रहे हो और लिस्ट करने की भी पेमेंट कर रहे होंगे वो उनको, वो इतनी हाई अथॉरिटी साइट है। अच्छा अब हम जाते हैं, शेयर हो रही है, हो रही है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट में एड्स आ गए हैं, यहाँ पर देखें डिफरेंट वैक्सीन्स का बता रहे हैं, और वीडियोस आ गई हैं, और ये आर्टिकल आ गया है, और यहाँ पर आई थिंक ये आर्टिकल्स ही होंगे ना। यहाँ पर इन्होंने इसका आर्टिकल्स ही लिखे हुए हैं। ये देखें उसके बारे में बता दिया कौन ये वैक्सीन लगवा सकता है, कितने लगवानी पड़ती हैं, कितने बार, और वैक्सीनेटेड फुली वैक्सीनेटेड कब होते हैं, उसके बाद क्या चीज़ है, कौन सी बेस्ट है, यहाँ पे रिव्यू हुआ है। ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ भी इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल है। और अच्छा अब इसमें एफिलिएट लिंक कैसे यूज होगा, एफिलिएट लिंक जो है ना, एफिलिएट लिंक इस तरह से यूज। अब वैक्सीन कोई ऑनलाइन तो बाय नहीं कर सकता ना, अब हम ये तो नहीं ऑनलाइन बाय करके हॉस्पिटल में जाके कि हमें ये वाली वैक्सीन लगवा दें। तो ये चीज आप सर्च इंटेंट भी तो देखें ना, अब यहाँ पर सर्च इंटेंट क्या चीज होती है, गूगल सर्च इंटेंट देख रहा होता है अपने जो है यूजर का। अब यहाँ पे जो जाएगा और वो बेशक बेस्ट लिख दे, रिव्यू भी लिख दे, अब वो वैक्सीन के बारे में जानना चाह रहा है, लेकिन वैक्सीन ऑनलाइन अब मिलती तो नहीं है ना, तो वो डेफिनेटली आर्टिकल से शो होंगे, और किसी ने एफिलिएट का लिंक लगाया भी नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन हम कहीं से बाय नहीं कर सकते। अच्छा ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें कुछ एफिलिएट तो नहीं होगा यहाँ पे, तो आपको जाना ये सर्विस में आ जाएगा, ये जिन्हें सर्विस में आ जाएगा एडसेंस में, और इससे इसका कोई काम नहीं होगा ऑनलाइन कोर्सेज में, एफिलिएट में भी नहीं होगा। एफिलिएट में ये हो सकता है कि मे पॉसिबल कि कोई इस तरह से रिव्यू कर दे, बट ये बहुत ही कम होता है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज में, फिर वो यूनिवर्सिटीज का ज्यादातर आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश करो कि कुछ मतलब टॉपिक्स इस तरह से सर्च करो, जैसे अभी काफी अच्छे अच्छे ये ज्वेलरी के हुए हैं, लैपटॉप का हुआ है, इस तरह के जो है ना आप लोग टॉपिक्स निकालें। वालेकुम अस्सलाम बिलाल,
किसी का कोई क्वेश्चन समझ ना आई हो? जल्दी से ये चीज़ पूछ लें। अभी हमने क्या चीज़ें डिस्कस किया? हमने निच डिस्कस किया, माइक्रो निच डिस्कस की, हमने एफिलिएट एडसेंस डिस्कस किया। दोनों में क्या फ़र्क होता है, किस तरह से हमें पता चल सकता है कि एडसेंस वाली कौन सी साइट है, एफिलिएट साइट कौन सी है, ये दोनों चीज़ें, इनकी अपडेट करने की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एडसेंस से अर्निंग किस तरह से हो रही होती है और एफिलिएट से अर्निंग किस तरह से हो रही होती है, ये चीज़ें हैं। अब आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना है, डिफरेंट साइट्स देखनी है, कौन सी साइट्स हैं जो दोनों चीज़ों को लेकर चल रही हैं, और अपने ये फाइंड आउट करने की आपने ये करना है कि अगर दोनों यूज़ कर रही हैं तो उनका उनका प्राइमरी कौन सा वे होगा, एफिलिएट या एडसेंस। ठीक है, ये चीज़ आपने देखने की कोशिश करनी है। बिल्कुल अनिला, आपका भी गूगल में ऐसे ही शो होगा जैसे मेरे पास चीज़ें शो हो रही हैं, और आपने इसी तरह से ही चीज़ें जो है ना देखनी है, फिल्टर करनी है जैसे मैं कर रही हूँ, कि ये देखें कि जैसे मैं साथ साथ बता भी रही होती हूँ, वो मैं साथ साथ बोल किस लिए बता रही होती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आपने साइट को कैसे एनालाइज करना है, साइट को कैसे देखना है। जैसे मैं बता रही होती हूँ कि अच्छा इसने यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा वो एक नज़र देखते ही पता चल जाता है कि ये इसने फीचर मेंशन की हुए हैं, ये इसने जो है ना फीचर्स के साथ साथ क्या किया होता है, कि थोड़ा सा लिखा होता है उसके बारे में, अच्छा इसके बारे में लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, फिर मैं नीचे देखती हूँ, अच्छा ये बटन है, यहाँ पे एक लिंक लगा होगा, यहाँ से जाके बाय करना होगा, तो ये एफिलिएट साइट है। प्राइमरी का आपको देखने से आइडिया हो जाएगा। अब देखें, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं कि बेस्ट लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो प्राइमरी सोर्स होगा वो एफिलिएट होगा, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा लैपटॉप वहाँ पे बाय करने आ रहे होंगे। ठीक है, अब बहुत कम लोग ऐसे विजिट करने के लिए जाएंगे कि बेस्ट लैपटॉप बैठे बैठे कुछ सर्च कर रहा हो, ऐसे तो नहीं ना करेगा। अब वेट लॉस में जो है ना, वहाँ पे टिप्स का अगर इस तरह का आ रहा है ना, तो वहाँ पे मे बी उन्होंने एफिलिएट लिंक भी लगाया हुआ हो, जिस तरह वेट लॉस में कुछ वो डाइट प्लान दे रहे हो, या फिर कुछ इसमें मेडिकेटेड चीज़ें भी होती हैं वो दे रहे हो, बट नॉर्मली वहाँ पे लोग जाएंगे पढ़ने के लिए, टिप्स डाइट प्लान लेने के लिए, इस तरह से इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स की तरह हो जा रहे होंगे। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें दोनों प्राइमरी हो सकते हैं, एफिलिएट भी एडसेंस भी, जैसे ज्वेलरी है तो वो लोग देखें, या फिर मेकअप है, या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें लोग इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स की तरफ भी जा रहे होते हैं और बाय करने की तरफ भी जा रहे होते हैं। बिल्कुल, टॉपिक हम ऐसा ही ढूंढते हैं जिसमें ज़्यादा भी कंपटीशन ना हो, जिसमें हाई अथॉरिटी साइट्स भी ज़्यादा ना हो। अब ये तो हमारी थी ब्लॉगिंग की बात। अब ब्लॉगिंग एज ए स्किल भी यूज़ हो सकती है, और ब्लॉगिंग स्किल्स आप ब्लॉगिंग में भी यूज़ कर सकते हो, और ये आप फ्रीलांसिंग में भी यूज़ कर सकते हो। और कैनवा में जो है वहाँ पे क्विक फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं, वो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप जो है ना कैनवा में डिज़ाइन करना सीखोगे, और आपको ये बताया जाएगा, डिफरेंट स्किल्स बताई जाएंगी कि ये देखें, अभी जैसे मैं अभी एक स्किल देख रही थी, तो उसमें जस्ट 1956, मतलब 1956 सर्विसेज हैं, और उस वो हम कैनवा के जरिए इजिली कर सकते हैं। अभी मैं एक अभी एक और देखी, उसमें जस्ट 601 है, और वो भी हम डेफिनेटली कैनवा के जरिए कर सकते हैं।
अभी डिपेंड करता है, वैसे जो मैंने क्वेश्चन वहाँ पे पूछा था या पोल क्रिएट किया था, उसमें तो मुझे ज़्यादा रिस्पांस ब्लॉगिंग का आया कि ब्लॉगिंग की तरफ जाएं और वो स्किल सीखें। ब्लॉगिंग में आज मैंने एक्सप्लेन किया है कि निच क्या होता है और ये एफिलिएट क्या होती है, ये चीज़ें आज मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए क्योंकि अब हम नेक्स्ट जाएंगे निच रिसर्च पे। फिर निच रिसर्च हमारी एडसेंस के हवाले से अलहदा होगी और जो है ना एफिलिएट के हवाले से अलहदा होगी। कैनवा को भी देखेंगे, मे बी हम ब्लॉगिंग के बाद देख लें, हम नेचर रिसर्च को जो है समझ के इसकी प्रैक्टिकल जो भी होगा वो करके प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और हम नेचर रिसर्च की जो है ना गिग क्रिएट कर लेंगे। ये भी हो सकता है, मे बी हम स्टूडेंट्स अगर ये कहेंगे कि उनको पहले कैनवा की स्किल सीखनी है और बाद में ब्लॉगिंग की तरफ आना है तो वो भी हो सकता है। कैनवा आसान तो कह सकते हैं, एक तरह से आसान है, बट बिलाल सारे बच्चे खुद नहीं सीख सकते ना, क्योंकि उनको गाइड करना होता है। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं हुए, हम कैनवा भी क्लास में करेंगे, हम ब्लॉगिंग भी करेंगे, ये हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, पहले ब्लॉगिंग हो जाए बाद में कैनवा हो जाए, पहले कैनवा हो जाए बाद में ब्लॉगिंग हो जाए, तो ये आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम कवर सारा करेंगे इसमें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ब्लॉगिंग की सारी स्किल्स सिखाऊंगी, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड में आगे टाइप्स होती हैं डिफरेंट, वो कौन सी होती हैं, कैसे सर्च करते हैं, और जो है कैनवा क्या चीज़ है। कैनवा मैं बताती हूँ क्या चीज़ है, कैनवा एक कह सकते हैं टूल कह सकते हैं, और उसमें जो है ना हम डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, वहाँ पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं चीज़ें डिफरेंट। जिन्हें जी हम कैनवा के लेक्चर पे जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस चीज़ को इतना ना करो, आप अभी जो मैंने आज का लेक्चर दिया ना उसको प्रैक्टिस करो, वो आपकी बेस है ब्लॉगिंग में। हाँ जी टेम्पलेट्स होते हैं निम्रा, और उसमें आप डिज़ाइन कर सकते हो। हाँ जी लोगो डिज़ाइन हो सकता, कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है, बस बात सिर्फ ये होती है कि आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का कि किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप जो है ना अगर देखें तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये बात नहीं है कि जो है ना कैनवा की जस्ट स्किल्स ऐसी हैं जिनमें कंपटीशन। अब मैंने नीचे रिसर्च को किया यहाँ पे, तो यहाँ पर देखें 1300 1400 कह लें सर्विसेज आ रही हैं, तो इसमें भी इतना कोई कंपटीशन नहीं है कि आप लोग यहाँ पे रैंक ना कर सको, और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं अच्छा खासा, ये चीज भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ मेन चीज होती है कि आप स्किल्स को किस तरह से यूज करते हो, उनको किस तरह से आप आगे यूटिलाइज कैसे करते हो, आप कैसे रिसर्च करके ऐसे सर्विसेज फाइंड करते हो जिनमें कंपटीशन ना हो। और अभी ये नीच रिसर्च भी मैंने देखी थी, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग की तरफ जब मैंने किया था तो मैंने यही सोचा था पहले कि आप लोगों की नीच रिसर्च ही बनवाऊंगी। बट कैनवा में भी हम जाएंगे डेफिनेटली, वहाँ पे भी बड़ी अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, वहाँ पे भी लोग काफ़ी अर्न करें और वो बहुत ईजी है। नीच में ये हो सक जाता है फिर नीचे रिसर्च में कि आपको वहाँ पे जो है ना पेड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली जब आप क्लाइंट्स का काम करोगे तो वहाँ पे आप बेस्ट चीज़ दोगे, तो बेस्ट चीज़ देने के लिए आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज भी होने चाहिए, आपके पास टूल्स भी ऐसे होने चाहिए जो आपको इतना एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, वो फिर जो है ना हर एक चीज़ नीचे रिसर्च में आपके पास फ्री टूल्स से मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और खास तौर पे अगर आप निच में जाते हो ना, कि आप निच पे काम करते हो, तो उसमें तो फिर भी आप किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर सकते हो फ्री टूल्स में, लेकिन अगर आपको माइक्रो निच फाइंड करनी है ना तो उसमें बड़ा मसला होता है, उसमें आपको फिर कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, पेड होते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो है ना आप लोगों को टूल्स भी प्रोवाइड करूँ। अब सबको नहीं हो सकते, टूल्स का मसला क्या आता है कि वो एक ही लैपटॉप पे लॉग इन हो सकते हैं एक टाइम में, या इस तरह से उनके जो होता है वो ब्लॉक होने के इश्यूज भी होते हैं, तो वो जो है, या फिर ये हो सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट को इस तरह से ऑर्डर आता है तो उसको मैं हेल्प आउट कर दूं, उस टाइम उसको जो है मैं टूल्स प्रोवाइड कर दूं। डेफिनेटली पेड टूल्स के मैं लेक्चर्स तो करवाऊंगी कि आप पेड टूल्स यूज़ कैसे कर सकते हो, अगर आप इस कोर्स के बाद भी आप पेड टूल्स पर जाना चाहो तो आप कर सको, अगर आपको कोर्स के दौरान इंशाल्लाह अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं आपको टूल्स प्रोवाइड करूंगी और आप वो यूज़ करते हुए अपना ऑर्डर कंप्लीट करोगे। उसके अलावा कैनवा मैं कोशिश करूंगी कि कैनवा प्रो भी अरेंज कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की वो लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, वो जो है ना आप प्रो, उसमें प्रो में ये होता है कि कुछ टेम्पलेट्स जो होते हैं ना वो आपको वो प्रो जो कि पेड होता है उसमें होते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि वो चीज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी ज़्यादा लिमिटेशंस जो है ना
वो आप लोगों की ख़त्म कर दूं। बिलाल फाइवर पे गिग्स हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, जैसे ही हम स्किल सीखते हैं। या तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले एक काम हम ये कर लेते हैं कि कैनवा का एक ही एक स्किल कर लेते हैं और उसकी हम जो है ना गिग क्रिएट कर लेते हैं। या तो फिर हम ये करते हैं कि जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग की जो बेसिक है उसको कवर करते हैं और नीचे रिसर्च पे चलते हैं और उसकी गिग क्रिएट कर लेते हैं। अब ये स्टूडेंट्स जिस चीज़ में जो है ना समझ रहे हैं कि वो मतलब बेहतर है उनके लिए वो बता सकते हैं, फिर मैं वही कंटिन्यू करवा लूँगी। बिल्कुल कैनवा आसान है। मैं मेरे तो ये था प्लान कि हम कैनवा की जो स्किल्स है ना पर डे एक ही लेके चलेंगे, इसलिए क्योंकि ना हम फिर उसमें रिव्यू इंक्लूड करेंगे। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग का आपको ऑर्डर है, आप उसमें क्या चीज़ पूछना चाह रही हैं, क्या थोड़ा सा मुझे बता दें फिजा के उसमें क्या आपको मसला आ रहा है। हाँ जी, आप जो है ना गिग क्रिएट कर सकते हैं और अलीना कह रही है निच रिसर्च पे चलते हैं। अलीना निच रिसर्च की तरफ भी चलेंगे, बट अभी क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये चीज़ बढ़ी जा रही है कि इतना टाइम हो गया है अभी तक कोई स्किल नहीं है, अभी तक हमने गिग क्रिएट नहीं की, तो ये उनके माइंड में चलता रहेगा तो वो ज़्यादा जो है ना अच्छे से सीखेंगे भी नहीं। मतलब तो उनके माइंड में एक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी ना कि स्किल तो अभी तक कोई सीखी नहीं है हमने, अभी तक तो हवा में बातें हो रही हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो लर्निंग पे इतनी तवज्जो नहीं देते। और फिजा मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्रिएटिव राइटिंग का आपको प्रोजेक्ट मिला है या क्या, उसमें क्या कहना चाह रही हैं। और कैनवा आपको वैसे मैं इसलिए भी उसका इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ क्योंकि अगर आप नेचर रिसर्च पे भी जाते हो ना, देखो आपको गिग बनानी है तो आपको गिग इमेज भी तो बनानी है ना, वो भी तो आपको आनी चाहिए। और पर डे एक स्किल का इसलिए मैं कह रही हूँ, अब ये भी तो मैं कर सकती हूँ इस तरह से भी कि आप जो है ना आपको हर रोज की 3-4 स्किल्स करवा दूँ, 20 स्किल्स हैं, मैं मैक्सिमम कोई 5 से 10 दिन लगा लूँ और 20 स्किल्स हो जाएंगी, इसमें इतना कोई वो मसला नहीं है। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही, इसलिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ हम प्रैक्टिस करें, क्लास में ही प्रैक्टिकल करें, आप लोग बनाएं, आप लोगों के जो भी आपका एक टेम्पलेट होगा उसको डिज़ाइन करें, फिर आप कमर्स में वो चीज़ जो है ना दिखाएंगे, आपके फेलोज भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी और हम वो चीज़ देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने डिज़ाइन किया है, उसमें क्या गलती है, फॉन्ट्स का मसला है, ये किस तरह लग रहा है, जो जो चीज़ें, फिर इस तरह से आपके जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, आपको ये पता चलेगा कि अच्छा जो विजिटर होता है वो ये चीज़ देखता है, तो आप फिर जो है ना वो आप उसमें आपका एक्सपीरियंस भी होगा, फिर आपको वो चीज़ें समझ भी अच्छे से आएंगी। और फिजा आप उस पर प्रपोजल तभी भेजें जब आप कंटेंट राइटिंग कर सकती हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, कंटेंट राइटिंग की स्किल आपको सिखाई तब जा सकती है, सिखाई जा सकती है, ये नहीं है कि हम उसको सिखा नहीं सकते, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट एक है, वो ये है कि आपको कंटेंट राइटिंग का पता हो, मतलब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो, आप किसी चीज़ पे लिख सकते हो, और ये चीज़ हर बंदे में नहीं होती कि वो लिख सके। अब पहले मुझे भी कंटेंट राइटिंग नहीं आती थी, बट एक्सपीरियंस के साथ अब इतना है कि मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ लिख सकती हूँ, बट फिर भी कंटेंट राइटिंग जो है ना मैं खुद नहीं करती अपने ब्लॉग्स की, ये इस तरह से बहुत कम मैंने इसके, मैंने प्रोजेक्ट्स भी किया कंटेंट राइटिंग के, लेकिन वो ये है कि एक बंदे की जो होती है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो एक होती है स्किल बंदे के पास होती है या उसके पास एक टैलेंट होता है, ये उसमें आ जाता है कंटेंट राइटिंग। बट आप इसमें ये है कि आप लिखने की कोशिश करो, आप डेफिनेटली सीख सकते हो, ये नहीं है कि ये सीख ही नहीं जा सकती, बट उसके लिए आपको इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जुनिशा आपने एक कवर लेटर भेजे थे कंप्लीट करके, बट कोई रिस्पांस नहीं आया, इसका मतलब आपने इतना अच्छा लिखा ही नहीं था, ये हो सकता है, और या फिर उन्होंने उनको कोई और अच्छा क्या कहते हैं प्रपोजल मिल गया हो, या मे बी अभी उन्होंने किसी को हायर किया ही ना हो, वो वेट कर रहे हो, और क्या रीजन हो सकती है। आपने किस किस स्किल पे आपने किया था और क्या वो स्किल आपको आती है, आपने उसको इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया था कि आप उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगी।
तो ये अगर आप पहले क्वेश्चन मेरे क्लियर करें फिर ही कोई एग्जैक्ट रीजन पता चल सकती हो। और आप जो है ना उस जॉब को विजिट करके देख भी सकते हैं कि क्या वो बंदा किसी और को इंटरव्यू कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी को उसने हायर किया है या नहीं किया। अब वो कैसे होगा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अपवर्क पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी जॉब होगी उसको ओपन करेंगे तो वहां पे उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। मैं ये दो तीन ओपन कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ और इसमें देख लेते हैं। ये देखें ये जॉब अभी, ये तो 4 मिनट्स जो है ना, ये कह रहे हैं कि लास्ट फीडबैक क्लाइंट, उसने 4 मिनट पहले ये वाली जॉब देखी। अब उससे 5 से 10 प्रपोजल होंगे, अब उसने प्रपोजल एक नज़र देख ली होंगे, या मे बी अभी वो वेट करो कि और प्रपोजल आ जाए, या फिर वो ये देख रहा हो अभी यहाँ पे। देखे इसके रिव्यूज भी कुछ अच्छे नहीं है। अब इसने इसको क्या रिव्यू दिया है, इसने भी इसको कम ही दिए हैं, बट इसने तो सिर्फ 1 स्टार दिया है फ्रीलांसर को। ये भी आप चीजें देखा करें। और यहाँ पे एक सेकंड हम कोई और जॉब देखते हैं जिसमें कुछ आ भी रहो। ये देखें अब इसने यहाँ पे बता रहे हैं लास्ट व्यू बाई क्लाइंट 16 मिनट्स अगो उसने देखा है, इंटरव्यू में यहाँ पे 0 आ रहा है, किसी को इंटरव्यू नहीं करा। और ये इनवाइट होता है कि अगर वो अपनी जॉब पे किसी को इनवाइट करता है, इनवाइट भी लोग करते होते हैं कि आप इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू नहीं, आप प्रपोजल सबमिट करवाएं। यहाँ ये देखें यहाँ पर इसने 4 मिनट पहले जॉब को देखा है और इसको 5 से 10 प्रपोजल गए हैं, जिसमें से इंटरव्यू में आ रहा है 5। और ये कि 5 लोगों से ये बात कर रहा है या 5 लोगों को इसने रिस्पॉन्ड किया है, इसका ये मतलब है। और इनवाइट सेंड, एक बंदे को इसने कहीं से इनवाइट भी भेजी है। वो अपवर्क ऑप्शन देता होगा ना जॉब पोस्ट में कि आप इनवाइट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे बंदे हैं। तो अभी अनआंसर्ड है उस बंदे ने जिसको जिस बंदे को इसने इनवाइट भेजी है ना, उसने भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मे भी यहाँ पे अगर आ जाता हायर्ड वन, इस तरह से कुछ आ सकता था कि उसने हायर कर लिया किसी को। तो ये आप इसके देख सकते हैं कि अच्छा क्रिएटिव राइटिंग बता, और उसको 5% चाहिए थे, 2 हायर थे जस्ट, ठीक हो गया जी। 5 से 10 प्रपोजल पे आप कर सकते हैं। वैसे 5% भी चाहिए थे तो मे बी वो 2 पे ही सेटिस्फाई हो गया। वो जो 2 थे वो इतने आवर्स अवेलेबल हों कि वो उस 2 पे ही रुक गया हो, या मे बी अभी वो देख रहा हो बाकी लोगों को, सॉर्ट आउट कर रहा हो चीज़ें कि मुझे कौन से बंदे को इंटरव्यू करना चाहिए या सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये नहीं, फ़ौरन रिप्लाई नहीं आता, टाइम लगता है, कभी कभी 1 हफ्ते बाद आता है। तो ये नहीं होता कि फ़ौरन से रिप्लाई आ जाए। अच्छा किसी का कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले। अगर नहीं है तो फिर हम जो है ना क्लास ख़त्म करते हैं। और आज जो आप लोगों का टास्क है वो क्या है, आपने निच माइक्रो निच को समझना है, आपने चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, जैसे कि आप टॉपिक्स में जाना स्टार्ट कर दो। वेट लॉस है, इसमें सोचो आप, सर्च कर लो वेट लॉस कैटेगरीज। या आप एक एक चीज़ मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखें यहाँ पर आप जाएंगे ना, आप लिखते हैं कि वेट लॉस, ये तो इसमें आपको सजेशंस भी बड़ी आ जाएंगी। ये नीचे चलेंगे तो यहाँ पे कितनी सारी सजेशंस आ रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आप कोई साइट ओपन करते हैं और मैं ये देख लेती हूँ, ये तो हेल्पलाइन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखें इतनी सारे नक्स जो है ना इसकी कैटेगरीज आ रही है। हम न्यूट्रिशन में चलते हैं, मैं भी इसमें आगे भी कुछ सब कैटेगरी जिसने बताई हुई हूँ। यहाँ पर ये देखें ये भी कुछ चीजें आ रही हैं, यहाँ पे आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस तरह से जो है ना आप साइट्स में जाना स्टार्ट करो, आप देखो कि कौन सी निच है, कौन सी फिर इसमें जो है ना माइक्रो निच है। अब हम इसमें जाके देख लेते हैं ये हमें क्या चीज बता रहे हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, फिटनेस में जाते हैं, फिटनेस में फिर नेक्स्ट इन्होंने ये चीजें की हुई है, ठीक है। हम ब्यूटी में कोई कैटेगरीज नजर नहीं आ रही, लाइफस्टाइल में चलते हैं, इन्होंने आगे से ये सब कैटेगरीज बनाई हुई है। हेल्थी ईटिंग में इन्होंने ये देखे सब कैटेगरीज भी बनाई हुई है। वर्कआउट में चलते हैं, अब वर्कआउट में जाने के बाद मजीद हमें कुछ चीजें मिल गई हैं। ये देखें ए बी वर्कआउट, ये आर्म का हो गया और ये बॉडी वेट हो गया। अब हम इसमें चलते हैं और फिर ये हमें अब जो है ना ये अब
भी वर्कआउट्स की पोस्ट आना शुरू हो गई हैं। अब ये देखिए मैं कैसे अंदर अंदर साइट्स में चली गई हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सप्लोर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, मैंने क्या किया, फिटनेस पे गई हूँ, वर्कआउट किया। यहाँ पे अब मैं योगा सिलेक्ट कर लेती हूँ सपोज, तो योगा में आगे जाके मुझे क्या चीज़ मिलती है इसमें। अब इनकी मजीद आगे कोई कैटेगरीज नहीं है, ये इन्होंने योगा ही कंटिन्यू किया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिर फिटनेस में गई हूँ और मैं यहाँ पर एक्सरसाइज रिकवरी में चली जाती हूँ, और इसमें भी अभी इनकी और सब कैटेगरीज नहीं है। इसी तरह आप डिफरेंट जो है ना इसमें चले जाते हैं, ये इसमें चले जाते हैं। अब इसमें हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, ये इन्होंने जो है ना इसको डायरेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम रेसिपीज भी देख लेते हैं, डाइट्स पढ़ी हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये कैटेगरी स्टार्ट हो गई है। अब ये देखें इसमें मजीद कोई सब कैटेगरीज नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पे गए थे फिटनेस में गए थे और वर्कआउट में गए थे, तो वर्कआउट की मजीद भी आगे टाइप्स थी। कैटेगरी हमने कौन सी सिलेक्ट की, फिटनेस, सब कैटेगरी कौन सी उसमें आगे आ गई, वर्कआउट, और वर्कआउट की फिर आगे ये देखें टाइप्स भी आ गई हैं, ये इतनी सारी आगे ये भी आ रही है, इसमें योगा भी आ रहा है। ये इन्होंने फिर जो है ना डिफरेंट टाइप्स पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। हम जिन लेग वर्कआउट पे जाएंगे तो फिर आप इन्होंने आगे जो है ना इसके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इस तरह आपने घूमना स्टार्ट कर देना है और आपने देखना है कि, तो इस तरह से आपने देखना है कि निच क्या है, माइक्रो निच क्या है, और ये सारी चीजें जो है ना आप करो। एक सेकंड मैं फिर से आपका देख लेती हूँ। ये एक सेकेंड, ये है, इसका 51% हाई रेट है, 4.96 रिव्यूज हैं, और $70 के प्लस स्पेंट है, और ठीक है पर वर्ड 0.02 कह रहा है डॉलर, और 1000 वर्ड्स। अच्छा, पे ट्रेनिंग वीडियो राइट अप, पे 1000 वर्ड टेस्ट आर्टिकल जो $20। अच्छा, उसके मिलेंगे इस, ये आप तब अप्लाई कर सकती हो जब आप, आपको राइटिंग का पता हो, आप लिख लोगी। अगर आप, आपको लगता है कि ये आपकी स्किल है, आप लिख सकती हो, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर दो। आपको लगता है कि आप लिख सकती हो वो जिस टॉपिक पे कहेंगे या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप लिख सकती हैं ना तो आप अप्लाई कर दें। बस इतनी सी बात है कि आप कर सकती हो, उसके अलावा आपको किसी को ये कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं अप्लाई करूं कि ना करूं। ठीक हो गया, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल करना है, निच माइक्रो निच को देखना है, एफिलिएट को देखना है कि किस तरह से एफिलिएट साइट्स इनमें उन्होंने रिव्यू किए हुए हैं, और इसके अलावा उनने गाइड्स वाले किस किस ने कैटेगरी बनाई हुई है, ब्लॉग बनाए हुए हैं। और अच्छा एक्सटेंशन, हाँ जी, वो मैंने एक चीज़ बतानी थी आप लोगों को, वो ये होगी कि आप लोग जाओगे सिंपल गूगल पे ही जाओगे और लिख दोगे ये चीज, क्रोम यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली सारे, तो ये पहला लिंक आ जाएगा, ये वाला, इसको आप ओपन कर लोगे। ये मेरी ऑलरेडी एड है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका आ जाएगा एड का, तो आप ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। और अभी मेरी एक्सटेंशन शो नहीं है यहाँ पे आ रही होगी, ये ऐसी एक एक्सटेंशन जो है ना, ये बटन होगा इसका, ये आइकन नजर आ भी रहा है यहाँ पे, इस तरह से शो हो जाएगा। और आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेंगे किसी भी जीमेल से, तो आप उसको लॉगिन कर लोगे, और लॉगिन करने के बाद जो है ना
आप आपके वो इनेबल हो जाएगी और फिर आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हो। जब आप लिखोगे तो वो आपको सजेशंस दे देगी, बट वो सजेशंस आपने ऐसे नहीं कि उसने रेड किया वो कर दो, वो डिफरेंट ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ पे वो जो है ना सेंस उस वर्ड की नहीं बनी होती, बट वो कहता है कि रिप्लेस करो। आप उससे हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप उसको ही सिर्फ यूज कर लो। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। ये नेक्स्ट जब हम लिखेंगे तो वो फिर मैं आपको बताऊंगी, प्रपोजल्स लिखेंगे या गिग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वहां पे आपको ये चीज़ स्क्रीन शो मैंने कर दी थी, किसी और को भी शो नहीं हुई थी। जल्दी जल्दी बता दो अजूनी शाह, अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें स्क्रीन शो हो रही है। जूनी शाह जल्दी से बता दें स्क्रीन शो हो रही है आपको अब? आई थिंक दोनों आपको कुछ इंटरनेट का इशू है। अच्छा अब हो रही है ना, आपने सिंपल गूगल पे जाके क्या लिखना है कि ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ये लिखेंगे सबसे पहला वाला। ये तो ऐड है ना, इसको स्किप कर दो, ये 1 आवर है साथ में, ये आपका मे भी ना भी हो, ये आप देख लेंगे chrome.google.com ग्रामरली फॉर क्रोम, इसके URL में भी आ रहा है। यहाँ पे आप पहला वाला लिंक ओपन कर दोगे, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऐड है। यहाँ पे आपका आ रहा होगा ऐड, ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक डाउनलोड सा शो हो जाएगा और उसके बाद वो खुद ही यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देन आप उस पर क्लिक करोगे इस तरह से वो आएगा, और इसको मैं जो है ना पिन करके आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जो है ना आपको वो अकाउंट बनाने का कहेगा। अकाउंट आप किसी भी जीमेल से फ्री अकाउंट बना सकते हो, और फिर आपके जो है ना यहाँ पे ये ग्रामरली ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? अब क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अभी आपने ये चीजें करनी है। आपने जो है ना टास्क मैंने बता दिया है, निच माइक्रो निच को देखना है, एफिलिएट और एडसेंस साइट्स विजिट करनी है, ट्राई करें निच माइक्रो निच में, आप डिफरेंट साइज में कैटेगरीज देखना स्टार्ट करें और उसमें देखें कि क्या निच है क्या माइक्रो निच है और वो चीज़ समझें, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, और इंशाल्लाह फिर हम कल मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे या देखते हैं कैनवा को करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।